मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। वेरी स्वीट गुड मॉर्निंग फ्रॉम अदिति साइड। एक्चुअल में लगा हाँ शी इज सेइंग गुड मॉर्निंग एंड हम लोग कैसे गुड मॉर्निंग बोल दो बस हो गया गुड मॉर्निंग। चलो पहले के 5 मिनट्स क्या क्या लिखना है। राइट दैट पॉइंटर्स। यू हैव टू राइट इम्पोर्ट ऑफ सर्विस वाले 2 पॉइंट स्पेसिफिकली। तो हमने कल सिर्फ समझना स्टार्ट किया था। राइट डाउन दोस पॉइंट एज वेल एज राइट डेफिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। बस इतना। गुड्स की डेफिनेशन रहने दो, ओनली सर्विस की डेफिनेशन एंड कंसिडरेशन लिखो। कीवर्ड्स कम से कम याद रहने चाहिए जो पढ़े थे। डन। चलो तो स्टार्ट करते हैं आगे का। आज रिवीजन नहीं करा रही क्योंकि 15 मिनट कम है हमारे पास। ठीक है, तो आज के दिन हम अभी तक जितना किया उसका रिवाइज नहीं करेंगे। फिर कल जब क्लास होगी देन वी विल अगेन रिवाइज द थिंग्स। ठीक है, चलो अभी क्या करने का है। अभी सबसे पहले वो मेरा एक चैप्टर, मैंने कहा था ना कि एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम, ऑटोमेटिकली वो एक चैप्टर ही होने वाला है। माई वॉइस इज ऑडिबल प्रॉपर है। अब वो चैप्टर क्या कहता है मैम, एक चीज आपने समझाई थी, अगर इम्पोर्ट ऑफ सर्विस है, कल हम यही बात कर रहे थे, अगर इम्पोर्ट ऑफ सर्विस है और इट इज फॉर अ कंसिडरेशन, है कंसिडरेशन, तो अब तो मैम हमको कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस से भी मतलब नहीं है
और किससे ये सर्विसेज इंपोर्ट हुई है हमें उससे भी कोई मतलब नहीं, बस हमको तो पता है कि ये सप्लाई बन गया, ठीक है। लेकिन व्हेन इट इज इंपोर्ट ऑफ सर्विस विदाउट कंसिडरेशन, तो सबसे पहले उभर के आता है शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 कहता है कि ये एक पर्टिकुलर पर्सन से ही इंपोर्ट होना चाहिए और कंपलसरी कोर्स फर्देंस ऑफ बिजनेस में ही होना चाहिए। तो पर्टिकुलर पर्सन था मेरा रिलेटेड पार्टी या फिर खुद का एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया। फिर रिलेटेड पार्टी में मुझे दिमाग में आया था कि कुछ कुछ चीजें हैं, या तो मैं उसका डायरेक्टर या वो मेरी डायरेक्टर, कुछ भी हो सकता है, या एक दूसरे के ऑफिसर हो सकते हैं, या फिर लीगली रिकॉग्नाइज पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है। ये नहीं हुआ तो और क्या हो सकते हैं, मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली इंपॉर्टेंट था। फैमिली का मतलब क्या था, स्पाउस। फैमिली का मतलब था चिल्ड्रन, डिपेंडेंट हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर या तो होली तुम पे डिपेंड करे या मेनली तुम पे डिपेंड करने चाहिए, वो फैमिली। इसके अलावा फैमिली में 25% और उससे ज्यादा कंट्रोल या तो मैं किसी का करूँ या कोई मेरा करे, या हम किसी दो लोगों का करें या दो लोग मिलके हमारा कंट्रोल करे, सारी प्रोबेबिलिटी बना के मैंने क्या बोल दिया तुमको कि ये रिलेटेड पार्टी है। सोल डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूटर, सोल कंसाइनर, ये भी क्या है, मेरी रिलेटेड पार्टी है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन में भी क्या आता है, ये हमारे रिलेटेड पार्टी है। इतनी बातें हमने कल तक करी। अब आगे चलना था मुझे किसके ऊपर, इन सबकी प्रोबेबिलिटीज के ऊपर, ठीक है। तो मैम दो चीजें थी कि जब विदाउट कंसिडरेशन होता है और जब विद कंसिडरेशन होता है, ये दो चीजें हम आप साथ में लेके चल रहे हैं। अब मैं आती हूँ उसके सारे के सारे प्रोबेबिलिटीज के ऊपर। मैम सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस आप बताओ कि अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, माना इंपोर्ट ऑफ क्या है, सर्विस है, तो ये जो इंपोर्ट ऑफ सर्विस है अगर कंसिडरेशन हो तो कोई भी चीज मैटर नहीं करती। वो कोई भी चीज क्या है जो मैटर नहीं कर रही, तो दो फैक्टर्स हैं, कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है या फिर कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दूसरा था रिलेटेड पार्टी है या फिर ओन एस्टेब्लिशमेंट है, या फिर रिलेटेड पार्टी नहीं है, ओन एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। डन। अब हम समझते जाते हैं कब सप्लाई बनेगा और कब सप्लाई नहीं बनेगा। मुझे अब उन चीजों को समझना, तो मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स अब लिखना चालू करूंगी, बस तुम मुझे बताते जाना ये सप्लाई है या नहीं है। जैसे ही तुम यहां तक आ जाओगे फिर मैं एक परत खोलूंगी मेगा एग्जेम्पशन, ठीक है। अभी के लिए बस समझना चालू करना सप्लाई है या नहीं है। फिर टैक्सेबिलिटी के लिए मेगा एग्जेम्पशन का क्या करेंगे हम, थोड़ा सा रोल है वो प्ले करेंगे। तो मैम सबसे शुरुआत में आपने क्या बोला, पर्सन कौन होना चाहिए, तो हम ये ले लेते पर्सन कौन, मतलब जिसने जिससे सर्विसेज ली। तो मैं बोल देती हूँ यहाँ पर पर्सन मतलब सप्लायर कौन होने वाला, ठीक है। सप्लायर ले दे के पता ही है इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, तो इसमें मैं क्या ही लिखूँ, इंपोर्ट ऑफ सर्विस कर रहे हैं, ठीक है। मैम सप्लायर है, सर्विसेज ले रहा है, फिर भी मैं सर्विस का नेचर चलो एक बार लिख लेती हूँ, क्या पता कुछ प्रोबेबिलिटी बना ले। सर्विस ले रहा है, क्या है कंसिडरेशन, यहाँ पे क्या है कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ठीक है। और यहाँ पे तुमको क्या देना है, सप्लाई है या नहीं है ये बताना है हमको, ठीक है। अब सबसे पहले सप्लायर कौन है, एनी पर्सन, मतलब एनी बोल दो मतलब कोई भी हो सकता है, रिलेटेड हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है मुझे अभी, तो एनी पर्सन, कोई भी पर्सन सप्लायर बन गया, ठीक है। सर्विस कौन सी ली मैम आपने, सपोज करो मैं सर्विसेज ले रही हूँ, वो मुझे सिक्योरिटी की सर्विस दे रहा है। सिक्योरिटी सर्विस कौन सी, मुझे कौन से शेयर्स लेने चाहिए, कौन से डिबेंचर लेने चाहिए, कौन से बॉन्ड लेने चाहिए, वो बताते हैं वो लोग मुझे, तो मुझे सिक्योरिटी रिलेटेड सर्विसेज मिल रही है। सिक्योरिटी वर्ड समझ रहे हो, सिक्योरिटी रिलेटेड सर्विस मिल रही है, ठीक है। कंसिडरेशन देते हो क्या, हाँ हम कंसिडरेशन देते हैं। क्या कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में ले रहे हो क्या, हाँ अभी के लिए हमने कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में ही ये सर्विसेज को लिया है, बताओ सप्लाई बनेगा या नहीं बनेगा। यस बनेगा। बनेगा, कोई वर्ड भूल रहे हो यार तुम लोग, सिक्योरिटी सोच लो एक बार और, मतलब बाकी लोग भी सोचो,
अदिति सप्लाई बनेगा। सिक्योरिटी वर्ड पे तुम फोकस नहीं कर रहे हो तुम लोग। हम सिक्योरिटी गुड्स नहीं है, लेकिन सिक्योरिटी सर्विस है ना, मतलब खींचना अब भी खींचना, सिक्योरिटी सर्विस कहां से बन गई? तो नहीं, मतलब सिक्योरिटी हम सर्विस दे रहे हैं ना, ये वही तो सर्विस है सिक्योरिटी रिलेटेड, कि कौन से शेयर्स खरीदना है, कौन से डिबेंचर खरीदना है, कौन से बॉन्ड खरीदना है, उसी से रिलेटेड सर्विस। वो सिक्योरिटीज गुड्स मतलब, नहीं है, गुड्स सिक्योरिटीज ही नहीं। मतलब शेयर्स एंड बॉन्ड्स हुआ, बट हम उनको गाइड कर रहे कि कौन सा लेना है, तो वो सर्विस हुआ ना। एग्जैक्टली सही बोल रहे हो, बस मैं तो आईसीए बनने की कोशिश कर रही हूँ, मतलब कंफ्यूज करने की कोशिश कर रही हूँ। सीधी बात क्या है मैम, सिक्योरिटी नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स, गुड्स भी नहीं है वो, लेकिन सिक्योरिटी सर्विस भी नहीं है। पर हम सिक्योरिटी को रेंट पे थोड़ी ना दे रहे हैं, मैं सिक्योरिटी रेंट पे नहीं दे रही हूँ। सिक्योरिटी अगर मैं रेंट पे देती तो आप बोल सकते थे कि ये सर्विस नहीं है कोई, पर मैं तो कौन सी सिक्योरिटी खरीदना है मैं वो बता रही हूँ, एज अ ब्रोकर या फिर ऐसे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, कि ये वाली खरीद लो वो वाली खरीद लो। तो सिक्योरिटी रिलेटेड सर्विस सर्विस है। तो यहाँ पे हमने किस चीज को पकड़ा, हमने सिक्योरिटी रिलेटेड सर्विसेज को पकड़ा। तो ये तो मैम सर्विस है, इसमें हमको कोई डाउट नहीं। तो किसी भी पर्सन से तुमने सिक्योरिटी रिलेटेड सर्विस ली फॉर अ कंसिडरेशन फॉर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में ली, यस मैम ये सप्लाई है, पक्का सप्लाई है। कैसे सप्लाई है अब तुम बताओ, शेड्यूल वन के हिसाब से है या फिर मेरा नॉर्मल क्लॉज के हिसाब से? एज एज पर डेफिनेशन, पर डेफिनेशन ऑफ सर्विस। हाँ डेफिनेशन के हिसाब से, मतलब क्लॉज के हिसाब से, शेड्यूल के हिसाब से नहीं। ठीक है फिर इसी को आगे बढ़ाते हैं। हमने फिर से यही पर्सन से सिक्योरिटी वाली ही सर्विस ली और कंसिडरेशन के साथ ही ली, लेकिन अब मैंने पर्सनल पर्पस के लिए ली, कोर्स फादरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है। अब बताओ सप्लाई है है एज पर शेड्यूल वन। शेड्यूल वन, वेरी गुड। अभी के अभी कान खींचो, शेड्यूल वन कैसे आएगा? कंसिडरेशन है बट कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है। तो शेड्यूल वन तो सिर्फ तब एप्लीकेबल होता है जब कंसिडरेशन गायब होता अच्छा हाँ, है। शेड्यूल वन सिर्फ तब आएगा जब कंसिडरेशन नहीं है, उन्हीं पे लगता है वो। ठीक है अब बताओ किसके हिसाब से शेड्यूल वन, तो आंसर ही मिल गया शेड्यूल वन, ये तो बचा क्या तुम्हारी डेफिनेशन? याद है तुमने डेफिनेशन अभी पढ़ी थी ना मेरे साथ, क्या पढ़ा था? इम्पोर्ट ऑफ सर्विस करते हो फॉर अ कंसिडरेशन, भले ही फिर बिजनेस हो या बिजनेस ना हो, कंसिडरेशन है तो बिजनेस गया तेल लेने है। याद है कल क्या बोल रही थी बार बार, पैसे से मतलब है, पैसा आ गया तो बिजनेस के लिए आया या किसी भी चीज के लिए आया, सप्लाई तो हुआ, समझ में? ठीक है तो ये भी मैम सप्लाई तो बनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर वही, इसी पर्सन से सिक्योरिटी रिलेटेड सर्विस ली है तुमने, इसी पर्सन से सिक्योरिटी रिलेटेड सर्विस ली, अब गायब क्या हो गया? कंसिडरेशन। लेकिन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में ही लिया है, कंसिडरेशन नहीं दिया लेकिन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में ही लिया है। अब एनी पर्सन को मैं यहाँ कर देती हूँ अभी के लिए, अब प्रॉपर रिलेटेड पार्टी से, क्योंकि एनी पर्सन तो वाइड टर्म है, इसलिए रिलेटेड पार्टी से विदाउट कंसिडरेशन सिक्योरिटी रिलेटेड सर्विसेज तुमने ली है कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में। अब बताओ सप्लाई है? सोचो, सप्लाई है मैडम। सप्लाई है, अगर यस यस मैम। सप्लाई है तो एज पर किसके अकॉर्डिंग है, डेफिनेशन या एज पर शेड्यूल? शेड्यूल वन, एज पर शेड्यूल वन। हाँ एज पर शेड्यूल वन। अब तुम लोग सोचो ना, मैंने बार बार तुम्हें कल क्या समझाया था, जैसे ही कंसिडरेशन गायब होगा जिंदगी में आ जाएगा शेड्यूल वन। और शेड्यूल वन क्या कहता है, शेड्यूल वन में आपको चेक करना पड़ेगा, विदाउट कंसिडरेशन है तो शेड्यूल वन तो आ ही गया। वो क्या बोलता है, कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में होना चाहिए और रिलेटेड पार्टी से ही होना चाहिए, तो दोनों हो गए ना।
किया भी इसने इम्पोर्ट रिलेटेड पार्टी से, किया भी इसने क्या फोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में, तो पक्का ये क्या है सप्लाई एज पर शेड्यूल 1 आया। फिर आगे बढ़ते हैं, अभी भी क्या है मैम रिलेटेड पार्टी से ही हमने क्या किया इम्पोर्ट किया, पर मैम कंसिडरेशन नहीं है, तो जैसे ही कंसिडरेशन जिंदगी से जाएगा शेड्यूल 1 जिंदगी में आएगा। शेड्यूल 1 अब बोल रहे ये कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में इसने नहीं किया इम्पोर्ट, इट इज नॉट इम्पोर्ट ऑफ सर्विस एज पर कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, अब ये सप्लाई है या नहीं? नहीं, सप्लाई नहीं है। नहीं है। क्यों नहीं है? अब समझ में आया, रिलेटेड पार्टी है डन, लेकिन रिलेटेड पार्टी के साथ मैंने क्या कहा था यहाँ पे एंड कंडीशन है, यहाँ पे दोनों चीजें चाहिए अगर कंसिडरेशन गया तो, लोग भी वही चाहिए और साथ ही साथ बिजनेस भी चाहिए, तो इस बेचारे का क्या गायब हो गया बिजनेस गायब हो गया, और जैसे ही बिजनेस गायब हुआ ये बचा क्या सप्लाई नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि शेड्यूल 1 की कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, और शेड्यूल 1 की कंडीशन कब आती है जब कंसिडरेशन जिंदगी से चला जाता है, यहाँ तक ओके। और अब मैम ओन एस्टेब्लिशमेंट से किया, ठीक है इसी को मैंने क्या किया ओन एस्टेब्लिशमेंट से, कंसिडरेशन है अभी, कंसिडरेशन है मेरे ही एस्टेब्लिशमेंट से मैंने सर्विसेज इंपोर्ट की, कंसिडरेशन है, कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस भी है, अब सप्लाई है मैडम। तुम एक ही चीज याद रखो कंसिडरेशन है तो बाकी चीजें भूल जाओ, सीधे सप्लाई है, फिर चाहे किसी से भी करो तुम, हमको कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ पैसे से मतलब है, तो मैम ये तो नो डाउट सप्लाई है। अब मैम फिर से ओन एस्टेब्लिशमेंट से किया, कंसिडरेशन नहीं है, तो मेरे को दो चीजें सोचनी होती कि ये या तो वो पर्सन होना चाहिए और साथ में कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस भी होना चाहिए, तो मैम ओन एस्टेब्लिशमेंट से कंसिडरेशन जिंदगी में नहीं है, अब क्या करें यहाँ पे कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, हाँ कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस अभी तो है, क्या करूं सपना है मैडम, सप्लाई है क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट भी खुद का और साथ में कोर्स फर्दरेंस भी है, अब अगर मैं इसमें क्या करूं ओन एस्टेब्लिशमेंट है कंसिडरेशन नहीं है कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है, अब बोलोगे क्या सप्लाई है, क्या समझ में आ रही है कंडीशन क्या है? ठीक है अब इसके बाद फिर से मैम क्या हुआ अदर एस्टेब्लिशमेंट, ये ध्यान देना तुम किसमें क्वेश्चन पेपर में अदर लिखा है या अदर देन ओन एस्टेब्लिशमेंट लिखा है, तो तुम सिर्फ ओन पे फोकस करके मत रह जाना, अदर देन ओन एस्टेब्लिशमेंट लिखा है मतलब वो खुद बोल रहा है कि रिलेटेड पार्टी नहीं है, ठीक है और ऐसा करती है इंस्टीट्यूट, अदर देन ओन एस्टेब्लिशमेंट हम पढ़ रहे हैं ओन एस्टेब्लिशमेंट, अदर देन स्किप ही हो गया नहीं, ठीक है तो अदर एस्टेब्लिशमेंट है कंसिडरेशन है कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस भी है, तुम बोलो ओन एस्टेब्लिशमेंट हो या नहीं हो मेरा फोकस किस पे चला गया, कंसिडरेशन है, बस बात खत्म, ये भी क्या है सप्लाई है डन, अदर एस्टेब्लिशमेंट है कंसिडरेशन नहीं है, तो मेरे को दोनों चीजें चाहिए थी, कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है पर ये कौन सा है अदर एस्टेब्लिशमेंट, चाह के भी तुम इसको सप्लाई नहीं बना सकते क्योंकि एक कंडीशन फुलफिल नहीं, नहीं मैम सप्लाई नहीं है। अब मैम फिर से अदर एस्टेब्लिशमेंट है ये नहीं है ये भी नहीं है, अब तो मैम आप बात ही बंद कर दो, क्यों कंसिडरेशन नहीं है पहले से ही आउट हो गए थे आपने, तो यहाँ दूसरे पे भी आउट कर दिया, तो भी ये क्या है सप्लाई नहीं है, और जो चीज सप्लाई नहीं है क्या वो टैक्सेबल इवेंट है, पॉसिबल ही नहीं, उस पर GST लगेगा ही नहीं, डन यहाँ तक आई बात समझ में, आगे बढ़ू थोड़ा और, अब लेवल थोड़ा और अप करते हैं, जैसे फिर से ये था मेरे पर्सन, ये था मेरा कंसिडरेशन, ये था मेरा कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, और यहाँ था मेरा डिसीजन, अब ब्रदर ठीक है आगे लिख दिया मैंने कजिन, ठीक है तो इंस्टीट्यूट जरूरी नहीं कजन ब्रदर लिखे, बोले तुम्हारे क्या है चाचा के भाई पापा के भाई कुछ भी अलग करके बेटे बेटे करके जो अपने कजन बनते हैं उसने तस पूरा लिख दिया, ठीक है ब्रदर है लेकिन कजिन है, जो इंस्टीट्यूट को रिलेशन लिखना है वो लिखती रहे, ठीक है अब हमने विथ कंसिडरेशन लिया कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस भी है, बताओ मैम अगर डिपेंडेंट है तो ही आएगा वो।
सप्लाई है लोग क्योंकि सप्लाई है, कंसिडरेशन सप्लाई है। कंसिडर। तुम लोग से पता है क्या गड़बड़ हो रही है, तुम लोग वो एक नहीं ट्रक ब्रदर कभी नहीं कितना आएगा ना, हम कजिन ब्रदर में नहीं आएगा रिलेटेड पार्ट रीजन ही गलत दे रहे हो। कंसिडरेशन है, तुम भूल जाओ ना बाकी लोग है, कौन है। अभी तुम कजन क्यों सोच रहे हो, यहाँ सीधे क्या हो गया, कंसिडरेशन है। अब चाहे मेरा भाई हो, मेरी बहन हो, कोई भी हो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। कजन हो, रियल हो, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा मुझे। बार बार तुम्हारे दिमाग में क्या डालने की कोशिश कर रही हूँ, पैसा है चीजें भूल जाओ, पैसा नहीं है तो दो कंडीशन आएगी। अब इस चीज को याद रखो बस, पैसा है या पैसा नहीं है, फिर तुम सोचो, ठीक है, तब तुम्हारे आंसर सही निकलेंगे। चलो तो हमारे पास क्या है, पैसा है, कंसिडरेशन है, अब बोलो कंसिडरेशन है, तुम कुछ और सोचोगे क्या, नहीं, सीधे क्या है, ये सप्लाई, फिर से यही कजन ब्रदर कंसिडरेशन है। ओ हो, कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में मैं कितना भी कंफ्यूज करो, तुम्हारे दिमाग में वो लाइन बार बार आनी चाहिए, पैसा है किसी चीज से मतलब है अब तुमको, नहीं मैम सप्लाई है। अब फिर से मेरा वही ब्रदर गायब क्या हो गया, पैसा गायब, और पैसा गायब हुआ तो दो कंडीशन चेक करते हो तुम। मैम पहली कंडीशन पिट चुकी है, क्यों, कजन ब्रदर है। अब आप भले ही यहाँ पे लिखो कि कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो या नहीं हो, फर्क ही नहीं पड़ेगा हमें, क्योंकि यहाँ एंड कंडीशन थी, दोनों कंडीशन फुलफिल होती तो ये इम्पोर्ट ऑफ सर्विस सप्लाई बनता। तो मैं लिख दूँ, जब यहाँ की कंडीशन ही गायब हो गई, बिना सोचे समझे कर दूँ, नहीं है सप्लाई, क्या समझ पाए क्रक्स, ठीक है। अब फिर से यहाँ पे हमारा कौन है, ये डॉटर, ठीक है, फुल्ली डिपेंडेंट, पूरी तरह से मुझ पे डिपेंडेंट, केस ए, और बी फुल्ली डिपेंडेंट नहीं, ठीक है, डॉटर है फुल्ली डिपेंडेंट एक केस में, एक केस में नहीं। केस नंबर वन, यहाँ पे कंसिडरेशन है, अब बोलो कंसिडरेशन है, डॉटर है, सोचोगे क्या कंसिडरेशन में डॉटर नहीं, पैसा आया मैम, बाकी आप या हाँ करो या ना करो, सीधे ये तो सप्लाई है क्योंकि कंसिडरेशन है। कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो या कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं हो, सप्लाई तो है ही है क्योंकि पैसा है। दूसरा बी, पैसा नहीं है, अब हमारे दिमाग चलेंगे, डॉटर क्या तुम्हारी रिलेटेड बनी, होली डिपेंडेंट है, वो वर्ड हाँ सुनना चाहती हूँ मैं। मैम डॉटर बोल रहे हो, होली डिपेंडेंट बोलो या मत बोलो, वो हमेशा फैमिली है। तो मेरा होल्डी डिपेंडेंट लिखू या नहीं लिखू कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हें, क्यों, क्योंकि डॉटर बोला, चिल्ड्रन आता है ना, तो चिल्ड्रन तो वो हमेशा क्या है, डिपेंडेंट हो नहीं हो तुम्हारी फैमिली ही है। ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर में ही डिपेंडेंट वाले खेल खेलने अपने, ठीक है। चलो तो मैम डॉटर है, होल्डी डिपेंडेंट हो नहीं हो, कंसिडरेशन नहीं है, पर क्या चाहिए, कंसिडरेशन नहीं हो तो एक तो रिलेटेड पार्टी हो, दूसरा क्या जरूरी था मुझे टिक करना, कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस भी होना चाहिए। अगर कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है तो सप्लाई है, कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है तो सप्लाई भी नहीं है, क्योंकि एंड कंडीशन होती है। आया समझ में आ गया अच्छे से, दिस इज व्हाट इम्पोर्ट ऑफ सर्विस। क्रक्स एक ही जो लिखा, मैं बार बार दिमाग में बोल रही हूँ, कंसिडरेशन है तो दुनिया जहान की चीजें भूल जाएंगी, कंसिडरेशन नहीं है तो दो कंडीशन को चेक करें, ठीक है। अब इससे ज्यादा टाइम नहीं लगा सकते इस चीज पे, अब आगे बढ़ो। तो मैम ये तो समझ में आ गया भाई, सप्लाई है सप्लाई नहीं है, यहां तक की जिंदगी अभी क्लियर चल रही थी, ठीक है। अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे तुमको दिया हुआ है सिर्फ ये समझने के लिए कि सप्लाई है कि सप्लाई नहीं है, सप्लाई है कि सप्लाई नहीं है, फिर जिंदगी में एक और चीज आ गई। बोले मैम एक चीज बताओ, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, उसी के कॉन्सेप्ट पे हो ना मैम, कि एक्चुअल में कस्टमर को तुम बोल रहे हो कि जीएसटी पे करो, तुम सारे कंप्लाइंसेस करो और क्या करो, जीएसटी पे करो, तुम किसको बोल रहे हो, कस्टमर को, याद है ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है। अब तुम्हें एक चीज बताती हूँ, रजिस्ट्रेशन चैप्टर की, रजिस्ट्रेशन चैप्टर में लिखा है, रजिस्ट्रेशन चैप्टर में लिखा है, अगर एक भी ऐसा सप्लाई होता है, अगर एक भी ऐसा सप्लाई होता है जिसमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट आ जाए, तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा।
कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है तुम्हारे पास। फिर से बोलती हूँ, रजिस्ट्रेशन चैप्टर क्या बोल रहा है मैम, सुनो क्या बोल रहा है रजिस्ट्रेशन चैप्टर। एक सिंगल सप्लाई भी ऐसा कर लिया, एक छोटू सा सिंगल सप्लाई भी तुमने ऐसा किया, कैसा किया, जिसमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट आ गया, मतलब तुमने इंपोर्ट ऑफ सर्विस कर ली, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आ गया उसके ऊपर, तो एक ऐसा ट्रांजेक्शन और तुमको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, मतलब तुमसे थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस नहीं होगी। भले ये सिर्फ 10,000 का ट्रांजेक्शन था मैम, रजिस्ट्रेशन ले लो, अब तुम समझो कितना भारी है। मुझे, मैं अभी क्या कर रही हूँ, बहुत कम अर्न कर रही हूँ, ठीक है, बहुत ही कम अर्निंग है मेरी क्लासेस की। अब मैंने एक सिर्फ मेरे इधर क्या बोला था, भाई हो या कोई भी, क्या मेरे को सॉफ्टवेयर बना के दे दो, उसने कहा मैम 15,000 लगेंगे, बन जाएगा। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, मुझे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, इतने कंप्लाइंस करूं, क्वार्टरली रिटर्न, कभी कुछ रिटर्न, कभी ऑडिट करो, कितनी चीजें आ जाएंगी मेरे पे, भारी हो गया ये तो। एक, और उसके बाद मैंने कभी करना भी नहीं है फिर से, तो मेरे को जरूरत भी नहीं पड़ी और सर्विस की, तो सिंगल एक सर्विस ने तो मुझे फंसा दिया। अब ऐसे इंडिविजुअल, बेचारे की शादी थी, उसने कहा कि बाहर से हम क्या करते, इवेंट मैनेजमेंट की सर्विस लेते, वो बहुत अच्छा सर्विसेज देते, एक बार की शादी और इतनी बड़ी की पेनल्टी, ये तो गड़बड़ हो गई यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, उसको रजिस्ट्रेशन करवा दोगे तो मेगा एग्जेम्पशन पे आते। मेगा एग्जेम्पशन क्या बोलता है यार, ऐसा किया तो गड़बड़ हो जाएगी, तो हम बोलते हैं अगर आप एक इंडिविजुअल हो, कौन हो आप, एक इंडिविजुअल, और अगर इंडिविजुअल सर्विसेज ले रहा है अदर देन बिजनेस, इंडिविजुअल सर्विस ले रहा है बट वो बिजनेस के लिए नहीं है, तो मेगा एग्जेम्पशन, उस सर्विस पर टैक्स ही नहीं लगेगा, और जिस सर्विस पर टैक्स नहीं लगेगा एग्जेम्प्ट के लिए कभी भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते। समझ में ही बात, बोल के समझ में। तो पहला रजिस्ट्रेशन चैप्टर बोलता है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन अगर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, सब लोग घबरा गए, और एक भी सर्विस होगी तो रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, इतना सारा ही हो। फिर गवर्नमेंट ने बोला जाओ जाके एक बार मेगा एग्जेम्प्शन चैप्टर पढ़ के आओ, वहां लिखा है अगर आप एक इंडिविजुअल हो, सर्विसेज इंपोर्ट करते हो और वो बिजनेस के लिए नहीं है, तो फिर आपको मेगा एग्जेम्प्शन दिया, क्यों दिया, एग्जेम्प्ट चीजों के लिए रजिस्ट्रेशन करवा के करेंगे क्या, उनको टैक्स क्यों, रजिस्ट्रेशन क्यों चाहिए, ताकि तुम टैक्स भरो, जब वो टैक्स ही नहीं लग रहा तो रजिस्ट्रेशन करवाएंगे क्यों, क्योंकि रजिस्ट्रेशन चैप्टर में ही लिखा है कि अगर आप एग्जेम्प्ट नेचर का सप्लाई करते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना। लॉजिक समझ में आया पूरा, तो ये हो गया एक और मेगा एग्जेम्प्शन का छोटा सा पार्ट। और भी चीजें हैं बट जैसे एजुकेशन वाली सर्विस तुमने पढ़ी होगी मेगा एग्जेम्प्शन में, इंटर में तो पढ़ी ना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ऐसे और भी चीजें हैं, पांच छह वो है, क्लस्टर है, अभी के लिए स्टॉप। मेगा एग्जेम्पशन जब आएगा फिर हम इसको उठाएंगे और वहां पे एक बार लिंक कर लेंगे, डन। तो अब मेरा क्लस्टर क्या खत्म हुआ, अब मैं एक और तुमको प्रोबेबिलिटी देने जा रही हूँ, और वो प्रोबेबिलिटी में क्या आएगा, सर्विस लेने वाला कौन, अगर सर्विस लेने वाला इंडिविजुअल है और वो बिजनेस के लिए सर्विस ले रहा है तो भैया मेगा एग्जेम्पशन नहीं है तेरे, पर अगर इंडिविजुअल है और बिजनेस के लिए नहीं ले रहा है वो सर्विस, तो तेरे को पक्का क्या है, मेगा एग्जेम्पशन है, और मेगा एग्जेम्पशन है तो उस सप्लाई पे टैक्स नहीं लगेगा। समझ में, पहले सप्लाई बनाया, हर जगह सप्लाई है सप्लाई है सप्लाई है, फिर टैक्स कहाँ पे नहीं लगेगा, अगर आप एक इंडिविजुअल हो और कोर्स फर्दरेंस और बिजनेस के लिए नहीं ले रहे चीज, तो अब मैं जोड़ू मेरे वो जो छोटा सा हमने कॉन्सेप्ट बनाया था, कंसिडरेशन अगर है तो जिंदगी में सब भूल जाओ, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंसिडरेशन भी है लेकिन अगर वो इंडिविजुअल है और वो बिजनेस के लिए नहीं कर रहा है तो सप्लाई तो है बस टैक्स नहीं लगेगा, सप्लाई के कॉन्सेप्ट पे कोई गड़बड़ नहीं आई, सप्लाई तो बनेगा वो पक्का। अब मैं जब पूछूंगी ना टैक्स लगेगा या नहीं, तब तुम सोचना, इंडिविजुअल हो बिजनेस नहीं है तो तेरे को टैक्स नहीं लगेगा, सप्लाई तो है बट नॉट अ टैक्सेबल सप्लाई, लॉजिक समझे। अब इसको एक बार लिख के देख ले एक बार, तो सबसे पहले मेरा क्या था यहाँ पे, मैंने सप्लाई की डेफिनेशन समझी थी, कंसिडरेशन अगर होगा तो जिंदगी में तो कुछ सोचना ही नहीं है, वही अभी हम वही काम चला रहे हैं, कंसिडरेशन अगर है तो जिंदगी में कुछ नहीं सोचना, कंसिडरेशन नहीं है तो ही दो वर्ड्स हम सोचते थे,
मैम सप्लाई की डेफिनेशन यहाँ पे अफेक्ट हुई क्या? नहीं, कुछ अफेक्ट नहीं हुआ, वो क्रक्स इंटेक्ट है। लेकिन आगे, वेदर अ सप्लाई टैक्सेबल, मतलब कौन सा सप्लाई? इंपोर्ट ऑफ सर्विस वाला। टैक्सेबल है क्या? तो सबसे पहले आप चेक करो रिसिपिएंट, रिसीव करने वाला पर्सन कौन है? मैम रिसीव करने वाला इंडिविजुअल है और अदर पर्सन अदर देन इंडिविजुअल, ठीक है, अदर देन इंडिविजुअल। अगर मैम इंडिविजुअल है तो चेक करो उसका पर्पस। यस इंडिविजुअल है तो क्या कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए है? आंसर आएगा अगर यस, आंसर आएगा नो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, सबसे पहले ध्यान से मैम, यहाँ कौन है? ये इंडिविजुअल। सप्लाई तो है, वो बात सही हो गई, टैक्सेबल सप्लाई है नहीं, मैम लेने वाला इंडिविजुअल है। क्या इसने कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए वो सर्विसेज ली थी? हाँ, इसने कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए ही वो सर्विसेज ली थी, तो अब तो कोई बात ही नहीं ना, तुम हो इंडिविजुअल, बिजनेस के लिए ले रहे हो तो ये टैक्स तो लगेगा, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ जीएसटी। इंडिविजुअल हो, तुमने सर्विस ली, भले ही कंसिडरेशन था या नहीं था, कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए ली तो बात हो गई, पर इंडिविजुअल हो, सर्विसेज ली, कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है क्या? नहीं। तो अब क्या बोल रहे हैं, अगर कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं, सप्लाई तो है, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेगा एग्जेम्पशन। आई बात समझ में? सप्लाई तो है, उसको भूल जाना, तुम ये सोचना ही मत सप्लाई है या नहीं, टैक्स के लिए सिर्फ इंडिविजुअल को चेक करना पड़ेगा, ठीक है। मैम हम तो ठहरे अदर देन इंडिविजुअल, तो बात ही खत्म, तुम वैसे ही अदर देन इंडिविजुअल हो, तो अदर देन इंडिविजुअल अगर कंसिडरेशन है तो हम कुछ सोचते ही नहीं, कंसिडरेशन नहीं है तो वही हमारा पुराना जो राग चल रहा था, क्या चल रहा था, उससे सप्लाई बना दिया, और सप्लाई बना दिया अदर देन इंडिविजुअल हो तो चाहे फिर तुमने कैसे भी किया हो, मेगा एग्जेम्पशन है ही नहीं इसके ऊपर, तो यहाँ मैं सिर्फ इतना लिखू, नो मेगा एग्जेम्पशन। यहाँ पे कुछ सोचना ही नहीं, एग्जेम्पशन है नहीं है कुछ नहीं, सिंपल टैक्स लगेगा अभी तक जितना पड़ा, क्योंकि मुझे सिर्फ इंडिविजुअल के रिस्पेक्ट में इतनी कहानी सोचनी होती है, अदर देन इंडिविजुअल के लिए तो कुछ दिया ही नहीं, तो मैं सोचू क्यों इतना, मुझे पता है टैक्स लगाना आगे चल के। बात समझ में ही आता है? कोई डाउट? अदिति ऑल इज वेल, ठीक है। अब एक लेवल और आगे, ठीक है, अब कैसा, ये तुम्हारे दिमाग में बस बैठ जाना चाहिए, सिर्फ ये चीज तुम्हारे दिमाग में क्या होनी चाहिए, बैठनी चाहिए। ये मैं मान के चल रही हूं, मैंने वो चार्ट बनाया है जिसमें मेरे जीवन में क्या है, कंसिडरेशन है, जिसमें मेरे जीवन में क्या है, कंसिडरेशन है, तभी तो मैं ये वेदर और नॉट इन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का राग डालूंगी, ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ कि मेरे जीवन में कंसिडरेशन नहीं है, तो मैम सबसे पहले आप क्या देख रहे हो, रिसिपिएंट कौन है? मैम रिसिपिएंट मेरा इंडिविजुअल है, एक इंडिविजुअल ने क्या किया, सर्विसेज मंगवाई बाहर से, क्या किया, सर्विस मंगवाई, बट मैम को कंसिडरेशन है क्या? कंसिडरेशन नहीं है, कंसिडरेशन नहीं। तो हम शिफ्ट हो गए कहाँ पे, शेड्यूल वन पे। हम कहाँ शिफ्ट हो गए, शेड्यूल वन पे। सुनना मेरी बात ध्यान से, इंडिविजुअल ने सर्विस मंगवाई, जी हाँ, कंसिडरेशन दिया ना, क्या आ गया जीवन में, शेड्यूल वन। यहाँ तक तो क्लियर आ गया मैम, शेड्यूल वन जीवन में आ गया। शेड्यूल वन की कंडीशन क्या थी, या तो रिलेटेड पार्टी से मंगवाओ, तुम्हारा सप्लायर कौन होना चाहिए, या ओन एस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए,
यही तो तुम्हारी कंडीशन थी, ठीक है। और यहां मैं लिख देती हूँ जानबूझ के अदर्स हैं, इसके अलावा कोई और है बोलोगी। तो सबसे पहले मैम, इंडिविजुअल ने विदाउट कंसिडरेशन क्या मंगवाया? सर्विसेज मंगवाई और इन्हीं लोगों से मंगवाई। अब मैं एक चीज बताऊं तुम्हें, यहाँ मेगा एग्जेम्पशन एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि याद है तुम्हें, अगर कंसिडरेशन जाएगा तो कंपलसरी कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस आएगा, याद है? तो कंपलसरी क्या होना चाहिए? अगर ये लोगों से मंगवा रहे हो तो साथ में होना चाहिए कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। क्या होना चाहिए? कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अगर कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है तो वैसे ही मेगा एग्जेम्पशन गायब हो गया, क्योंकि मेगा एग्जेम्पशन ने क्या बोला था? इट शुड बी विदाउट कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। और मैम, अगर सपोज करो कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, रिलेटेड पार्टी है, कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, तो मेगा एग्जेम्पशन वैसे ही एप्लीकेबल नहीं होगा। बट अगर मैम कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं होता तो वो सप्लाई नहीं बनता, याद आई? क्योंकि मेरी एंड वाली कंडीशन फुलफिल ही नहीं हुई ना। मेरी एंड कंडीशन क्या थी? कंसिडरेशन जाएगा तो दो चीजें आनी चाहिए। अगर मैम कंसिडरेशन नहीं है तो ये सप्लाई नहीं बनेगा, और जो चीज सप्लाई नहीं उसका मेगा एग्जेम्पशन कैसे बनेगा? और अगर कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है तो मेगा एग्जेम्पशन नहीं आएगा, क्योंकि इंडिविजुअल के लिए क्लियर बोला है कि भाई तेरे को कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में नहीं लेना तो हम मेगा एग्जेम्पशन देंगे। यही बात समझ में आई? खत्म, ठीक है। इसीलिए मैं चाह के भी इसको वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन सब चीजों पे नहीं ले जा रही, क्योंकि तुम्हारे चेहरे मुझे बता रहे हैं। हो गया मैम, बहुत ऊपर हो गया। अब थोड़ा सा स्माइल करके दिखाओ ताकि मैं तुम्हें रिवाइज ढंग से करवा पाऊँ, ठीक है? चलो, सबसे पहली चीज, इंडिविजुअल अगर है तो एक चीज याद रखना, इंडिविजुअल के केस में आप शेड्यूल वन सोचो ही मत। अगर हम क्या बोल रहे हैं, इंडिविजुअल ने सर्विसेज मंगवाई, टैक्स पर्पस के लिए मत सोचो। किस चीज के लिए मत सोचो? टैक्स पर्पस के लिए। तो मैंने क्या बोला, मंगवाने वाला कौन? इंडिविजुअल, ठीक है। इंडिविजुअल, तुमने सर्विस मंगवाई? हाँ हमने मंगवाई। कंसिडरेशन दिया क्या? हाँ मैंने कंसिडरेशन दिया। कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में है? हाँ, सप्लाई तो वैसे भी था, ठीक है, सप्लाई तो है। टैक्स लगेगा क्या? हाँ यार, कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, तेरा टैक्स लगेगा, बात ही खत्म। मैम फिर से सप्लाई किया उसने, मैंने लिया, मैं इंडिविजुअल हूँ, बट मैम कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है। मैंने कंसिडरेशन दिया है, कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है। तो अब ये सप्लाई है मैम, सप्लाई तो वैसे ही था, टैक्स लगेगा क्या? मेगा एग्जेम्पशन, टैक्स नहीं लगेगा। समझ में आई बात? मैम कंसिडरेशन ही नहीं है, इंडिविजुअल हूँ, कंसिडरेशन नहीं है, तो मेरे को दो कंडीशन देखनी थी, रिलेटेड पार्टी या फिर वो। मैम सब देख भी ली, वो सप्लाई बन गया, पर फिर भी मेगा एग्जेम्पशन क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वहां की कंडीशन है कोर्स फर्दरेंस में ही तुमको इम्पोर्ट करना, तो मेगा एग्जेम्पशन नहीं आएगा। और मैम सपोज करो कंसिडरेशन नहीं है और कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस भी नहीं है, तो वैसे ही वो सप्लाई नहीं बनेगा। अब गहराई समझ में इसकी उतर पाए गहराई में कि तुम डूब गए? मुझे सच बता दो, ठीक है। मैम अब जो लास्ट में दो इम्पोर्ट ऑफ पॉइंट पूछ रही थी। सर्विस, अब इम्पोर्ट ऑफ सर्विस खत्म होता है, ठीक है। फाइनली इसमें सिर्फ तड़का किसका लगना था? इंडिविजुअल। क्रक्स दे दूं पहले, फिर तुम मुझसे पूछना। क्रक्स दे दूं इसका, पहला तो क्रक्स क्या था? मैम अगर सप्लाई ढूंढना है, कंसिडरेशन आए तो जिंदगी से सब गए, ठीक है। कंसिडरेशन नहीं है तो जिंदगी में दो कंडीशन, और इंडिविजुअल अगर रिसिपियंट है तो सिर्फ एक चीज चेक करना है, कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस था या नहीं था। अगर कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है तो मेगा एग्जेम्पशन नहीं है, और अगर कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है तो वैसे इस पे टैक्स नहीं लगेगा। अब मैम कंसिडरेशन भी है, कंसिडरेशन है तो जिंदगी में कुछ सोचने नहीं, कंसिडरेशन नहीं है तो तुम याद रखना मेगा एग्जेम्पशन लगने ही नहीं वाला। कंसिडरेशन गायब है तो मैम मेगा एग्जेम्पशन का रोल ही नहीं है, क्योंकि जैसे ही कंसिडरेशन गायब होता है बिजनेस कंपलसरी हो जाता है। तो तीन लाइनर कंसेप्ट बोलते हैं, एक तो कंसिडरेशन जिंदगी में तो सब भूल जाओ, कंसिडरेशन जिंदगी से गायब हो गया तो सिर्फ दो चीजें याद रखनी रहती है, ठीक है। और अगर इंडिविजुअल जिंदगी में आ गया तो इंडिविजुअल है,
कंसिडरेशन भी होना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ क्या याद रखना है, जहां कंसिडरेशन है वहीं मेगा एग्जेम्पशन है, ऐसा लिख लो। इंडिविजुअल के केस में जहां कंसिडरेशन है वहीं मेगा एग्जेम्पशन, क्योंकि वहीं तो सोचो कि कोर्स फर्दरेंस है या नहीं, बाकी जगह तो सोच ही नहीं सकते तुम। तीन समझ में क्रक्स लिख लो। इंडिविजुअल के केस में जहां कंसिडरेशन है वहीं मेगा एग्जेम्पशन सोचते हैं। अब पूछो। हो गया क्लियर ही हुआ ना कि ऑल क्लियर हो गया? पढ़ा लिखा जो 2-3 दिन से था वो तो क्लियर मत करके बैठना। जब कोई मेरे को बोलता है ना डीटी ज्यादा टफ है, डीटी इज मच मोर सिंपल देन आईडीटी, टू बी ऑनेस्ट। आईडीटी में इतनी प्रोबेबिलिटी है। अभी पता है क्या, अगर मैं तुमको और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाऊं तो मैं कंसिडरेशन में कितनी प्रोबेबिलिटी बना लूंगी। डिपॉजिट मिला, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी, तो तुमको तो पहले ये सोचना पड़ जाएगा कि ये कंसिडरेशन भी बनेगा नहीं। स्टेप समझ रहे हो कैसी जा रही है? वो डेफिनेशन कितनी वाइड है, कितनी वाइड है, मतलब मैं अभी रोक रही हूँ खुद को। नहीं तो हर चीज का अगर मैंने एग्जाम्पल निकाल दिया तो 10 दिन सिर्फ सप्लाई की डेफिनेशन एक चैप्टर है। एंड आई डोंट नो हाउ कैन यू रीड सप्लाई की डेफिनेशन इन 2-3 आवर्स। और मेरे को स्टूडेंट्स जब फोन करते ना, अरे मैम सप्लाई की डेफिनेशन तो मैं 1 घंटे में रिवाइज करता हूँ, देन आई नो कि गलत है। आईडीटी इतना वाइड है, इतना वाइड है जितना डीटी भी नहीं है। ठीक है, तो अभी तो तुम उतरे हो, लेकिन हम सीए फाइनल लेवल तक ही उसको रखेंगे, क्योंकि ज्यादा उतर गए तो मेरे को तुमको खींच के लाना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है चलो, अभी तक हमने फाइनली इम्पोर्ट ऑफ सर्विस को कंप्लीट कर लिया विथ मेगा एग्जेम्पशन। अब उसको थोड़ा सा लिख लो। तीसरी चीज, मैंने एक इम्पोर्ट ऑफ सर्विस तुमको यहाँ पे लिखवाया है उसमें बोर्ड नोट में। अब बोर्ड नोट में ना तीसरी चीज एक और लिख लो यहाँ पे। ये तुमने प्रिंट नहीं भी लिया होगा, लेकिन यहाँ पे हम दो चीज नहीं, तीन चीज को एनालाइज कर लिए। ये हो गया मेरा क्या है, पहला वाला शेड्यूल 1, ये वाला हो गया क्या पैरा 4 शेड्यूल 1, उसको एनालाइज कर लिया। ये डेफिनेशन वाली चीज को मैंने एनालाइज कर लिया। और मुझे एनालिसिस कॉर्नर में एक और चीज क्या लिखनी चाहिए, मैंने एक मेगा एग्जेम्पशन के पॉइंट को भी एनालाइज कर लिया, क्योंकि ये क्वेश्चन में आता है। मैंने इसीलिए सिर्फ इंडिविजुअल को टच किया। ठीक है, तो मेगा एग्जेम्पशन वाला क्या होगा? ठीक है, इसको एनालाइज करना है ओनली इफ कंसिडरेशन, क्योंकि कंसिडरेशन नहीं है तो मेगा एग्जेम्पशन नहीं लगता है। डन, अब इसमें हम लोग को पता है कितनी चीजें देखनी होती है, हमको एनालाइज करके चलना होता है रिलेटेड पार्टी भी है या नहीं। तो स्टेप समझते जाओ एक एक स्टेप, पहले गुड्स है या नहीं, सर्विस तो नहीं है, फिर कंसिडरेशन है या नहीं, फिर यहाँ तो सिर्फ सर्विस था, पक्का तो सर्विस है, यहाँ कितनी चीजें डालने को है। ऐसी कोई चीज दे देंगे जो सर्विस ही नहीं बनेगी। और तुम सोच रहे हो इम्पोर्ट ऑफ, जैसे हमने कोशिश की थी ना किसकी, सिक्योरिटी वाले की, तो वो ऐसी चीज देंगे जो सर्विस होगी या नहीं। तुम्हें हर पॉइंट पे सोच सोच के चलना है। सर्विस बना, डन, फिर बोलो कंसिडरेशन बना, डन, फिर चेक करो रिलेटेड पार्टी बना कि नहीं, ऐसे सोचा जाता है। अभी भारी क्यों लग रहा है? क्योंकि अब तुम स्टेप्स में घुसे हो। अभी जब तुम क्वेश्चन करना चालू करोगे, प्रैक्टिस होगी, तभी ऑटोमेटिक फ्लो में आएगा। ठीक है चलो, अब आगे बढ़ते हैं। अब फाइनली हम स्टार्ट करेंगे हमारा शेड्यूल नंबर 1। इजी है पर इतना नहीं, एनालिसिस के लिए फिर से रेडी रहना थोड़ा सा। ठीक है, क्या यहाँ तक की जिंदगी हमारी आसान हुई?
अब हम आते हैं किसके ऊपर, शेड्यूल वन। और लिखा ही क्या है शेड्यूल वन ने, खुद चीख चीख के बोल रहा है, जब भी विदाउट कंसिडरेशन होगा, अदिति याद रखना, जब भी विदाउट कंसिडरेशन होगा तभी शेड्यूल वन लगेगा। फिर चाहे आप सप्लाई कर चुके हो या सिर्फ अपना एडवांस लिया या एग्री भी कर दिया कि अरे मैं तो फ्री में तेरे को ये काम करके दे दूंगी, एग्री किया या ऑलरेडी कर दिया सप्लाई, हमको उससे मतलब नहीं है, पर शेड्यूल वन आएगा विदाउट कंसिडरेशन पे, डन। चलो अब शेड्यूल वन की पढ़ते, खोलते अपन। सबसे पहला छोटू सा, इतना छोटा है लेकिन फिर इसके एनालिसिस को प्रॉपर समझने में जाएंगे हमको 15 मिनट, ठीक है? क्या लिखा है? पैरा नंबर वन, क्या मैम शेड्यूल वन के पैरा याद करना है? हाँ याद करना है। सीरियल नंबर याद करना है? हाँ याद करना है। क्या बोला है मैम? अगर परमानेंट ट्रांसफर या फिर डिस्पोजल हो किसी भी बिजनेस असेट का जिसमें आपने ITC अवेल किया है इसी असेट पे, क्या लिखा है? बोलते मैम आपको बोला क्या कि शेड्यूल वन मतलब विदाउट कंसिडरेशन, अगर बिना पैसा लिए आप कोई भी बिजनेस असेट को चाहे ट्रांसफर करो या डिस्पोज करो, ऐसी बिजनेस असेट जिसपे आपने ITC क्या कर लिया है, अवेल कर लिया है, तो हम मानेंगे ये सप्लाई है। क्या बोल रहे हो? फिर हिंदी में और पढ़ लेते हैं एक बार, बोल देते हैं। पैरा वन क्या बोल रहा है जिंदगी में? बोल रहा है पैरा वन, पैसा लिया क्या? ना, तभी तो शेड्यूल वन पढ़ रहे। तो मैम कंसिडरेशन नहीं है, विदाउट कंसिडरेशन आपकी कोई बिजनेस असेट लो, यही ले लो, ये मेरी बिजनेस असेट है ना, मैंने ये बिजनेस असेट किसको दे दी? किसी को दे दी, चाहे ट्रांसफर कर दिया डिस्पोज कर दिया। तो बोलते अगर आप परमानेंटली इस बिजनेस असेट को किसी और को दे रहे हो, ये बिजनेस असेट जिसमें आपने ITC लिया था, ये बिजनेस असेट, यही मैं बार बार ये पे फोकस कर रही हूँ, सेम बिजनेस असेट पे आपने ITC लिया था, तो बस क्या हो जाएगा, हम मान लेंगे ये सप्लाई है। समझ में, हिंदी में समझ में आ गया? खत्म। क्या था? परमानेंट ट्रांसफर करो, बिजनेस असेट को ट्रांसफर करो, ITC आपको इस पे अवेल करना है, और हो गया ये क्या सप्लाई। क्या बचा? अब स्टार्ट करें। चलो पहली चीज लिखा है परमानेंट ट्रांसफर। मैंने अदिति को ये पेंसिल दी, उसने बोला मैम 6 महीने के लिए चाहिए, 6 महीने बाद मेरे पास वापस आएगी, क्या ये परमानेंट ट्रांसफर है? नहीं, मतलब टेम्पररी ट्रांसफर नहीं चाहिए, क्या होना चाहिए? परमानेंट ट्रांसफर। तो पहला एनालिसिस मेरा बोल के ही मैंने कर लिया ना खत्म, परमानेंट होना चाहिए, टेम्पररी नहीं। मैम टेम्पररी को क्या बोलते हैं आप? रेंट, रेंट पे देना नहीं चलेगा, एकदम उसके पास चली गई चीज, राइट टू यूज नहीं देना है कि यूज कर ले, टाइटल ट्रांसफर कर ले, समझ में ही बात, राइट टू यूज नहीं देना मुझे किसी को, मुझे तो सीधे क्या देना है, लो भैया टाइटल ट्रांसफर हो गया तुमको दे दिया, डन। चलो तो मैम परमानेंट ट्रांसफर करना है मुझे बिजनेस असेट का, बिजनेस असेट, बिजनेस की असेट, मेरे पास अभी क्या है? मेरे पास ये वॉच है, मेरे को कोई बिजनेस में यूज नहीं हो रही, मेरी पर्सनल चीज है। अदिति ने बहुत अच्छा आंसर दिया या फिर श्रद्धा ने आंसर दिया, मैंने कहा ये लो परमानेंटली तुम्हारी, परमानेंट ट्रांसफर तो है मैम, लेकिन क्या ये बिजनेस असेट बनी? अब बिजनेस असेट होनी चाहिए, अब बिजनेस असेट क्या होगी? या तो तुम्हारा स्टॉक इन ट्रेड, या तो तुम्हारे कैपिटल गुड्स, या तो तुम क्या करो मैम, ये उठाया लो ट्रांसफर कर दिया पूरा आईपेड ही, कैपिटल गुड्स ट्रांसफर हो गए, वो भी क्या है? परमानेंट होगा लेकिन बिजनेस असेट ही जानी चाहिए, दो कंडीशन है इसकी समझ में। निधि आ रहा है? तीसरा मैम आप परमानेंट ट्रांसफर कर रहे हो, बिजनेस असेट ट्रांसफर कर रहे हो, लेकिन इस बिजनेस असेट पे ITC अवेल करोगे तभी, इसको ही समझना है मुझे। ITC अवेल करने का मतलब क्या है? जब मैंने ये आईपैड खरीदा, ठीक है, ऑब्वियसली GST लगा होगा मेरे को, अब मैंने क्या किया इस GST का, अगर मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूं, मैंने इस पे GST भरा है, तो मैंने क्या किया होगा, उसका क्रेडिट भी तो ले लिया होगा, तुमने बेनिफिट ले लिया, गवर्नमेंट को टैक्स दिया खरीदते वक्त, और जब तुमने कोई चीज सेल की उस ITC को वापस क्या कर लिया, अवेल कर लिया। एक मिनट,
चलो, तो हम कहते हैं परमानेंट ट्रांसफर बिजनेस असेट का ही होना चाहिए। अब मैंने क्या किया, सपोज करो मैंने ये खरीदा, फोन खरीदा, आईटीसी दिया होगा, मैं मान के चल रही हूँ मैंने सिर्फ बिजनेस के लिए ही इसको खरीदा था। मैंने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के लिए इसको खरीदा। तो मैंने जब इसको बिजनेस के लिए खरीदा, सीधी सी बात बताओ, क्या मैंने जीएसटी पे किया? बस दिमाग में इतनी चीज बताओ, इनवॉइस बना होगा, जीएसटी पे हुआ होगा, यस। मेरे इस असेट पे, मेरे इस असेट पे जीएसटी कहाँ चला गया? गवर्नमेंट को चला गया होगा। फिर मैंने अगली बार जब रिटर्न भरा, मैंने उसका क्रेडिट लिया, मतलब गवर्नमेंट की जेब से वापस नहीं निकाल लिया वो पैसा मैंने? क्रेडिट लेना इज व्हाट, गवर्नमेंट की जेब से वो पैसा वापस निकाल लिया, बोलो हाँ कि ना? अब गवर्नमेंट क्या बोलेगी, जब तुम इस असेट का वापस क्या करोगे, आउटफ्लो करोगे, हमें फिर से जीएसटी भरो ना, समझो? तुमने असेट खरीदी, परचेज की, तो हमने इनपुट दिया, अब जब तुम इसको बेच रहे हो तो हमको आउटपुट टैक्स भी तो दो। तो इसीलिए उन्होंने क्या बोला, ऐसी चीज जिसपे तुमने हमसे बेनिफिट खींच लिया वापस, जब तुम उसको वापस कैसे भी दे रहे हो, कैसे भी तुम कंसिडरेशन लो तो वैसे ही ये सप्लाई है, और कंसिडरेशन नहीं लो तो हमने कहाँ डाल दिया उसको, शेड्यूल 1 में डाल दिया, और हम बोल रहे हैं सप्लाई है तो हमको जीएसटी चाहिए। क्या ये बात समझ में, क्यों है ऐसा? क्योंकि अगर तुमने बेनिफिट लिया तो गवर्नमेंट खींचेगी भी वो बेनिफिट तुमसे वापस, इसलिए बोला है परमानेंट ट्रांसफर किया। बिजनेस असेट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बिजनेस असेट पे ही तो आईटीसी मिलता है। तो अगर परमानेंट ट्रांसफर करते हो, बिजनेस असेट का ट्रांसफर करते हो, इस पे आईटीसी अवेल किया है, हाँ आईटीसी अवेल किया है, अभी अवेल यूटिलाइज पे भी नहीं जा रही मैं, हाँ हमने हमने अवेल किया है, तो तीनों कंडीशन फुलफिल है, तुमने गवर्नमेंट से बेनिफिट लिया था इस असेट पे, आज जब तुम इसको फ्री में भी ट्रांसफर कर रहे हो, गवर्नमेंट को इस पे टैक्स चाहिए वापस। समझ में आ गया इसका लॉजिक, डन? चिराग तुम आज वीडियो ऑफ है, बट आया समझ में? अब मुझे एक चीज बताओ, अभी ये एनालिसिस था क्या? नहीं, ये एनालिसिस नहीं, मेरे को, मैंने बोला ना आईटीसी पे ही तो जाना है मेरे को, पूरा की पूरा एनालिसिस किसके ऊपर है, आईटीसी की, और वो एक सच वाला वर्ड लिखा है, सच असेट। ये दो चीजें हैं जिसके ऊपर हमको समझना है, और इसी पे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, इसी को गोल गोल रानी कितना कितना पानी करके ये लोग क्या करते हैं, हमको कंफ्यूज करते हैं। फिर से पढ़ते हैं, अब मैं पढ़ सकती हूँ उसको, अब लॉजिक तो समझ ही सकती हूँ। क्या लिखा है, परमानेंट ट्रांसफर, क्या लिखा है, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट वेयर आईटीसी अवेल्ड, जहां पे आपने क्या किया, आईटीसी अवेल किया है ऑन सच असेट। अगर तुमने लिखते लिखते ये सच असेट को इग्नोर किया तो बहुत कुछ इग्नोर हो गया। अब समझते हैं इसके एनालिसिस को। मैंने क्या बोला कि तुम्हें क्या करना है, आईटीसी अवेल करना है, ठीक है? अब मैं थोड़ी सी बात तुम्हें कहाँ की बताने जा रही हूँ, मैं तुमको छोटी मोटी बात बताने जा रही हूँ, तुम्हारा चैप्टर वो वाला क्या बोलते हैं आईटीसी का, पहले उसकी बात समझना, फिर मैं इसको एनालाइज प्रॉपर करवा पाऊंगी। तो इसके एनालिसिस में मैम क्या लिखा है, मुझे आईटीसी अवेल करना, तो सेक्शन नंबर 16 है, कहाँ का मैम, आईटीसी का। आईटीसी का सेक्शन नंबर 16 क्या बोलता है, आप आईटीसी तभी ले सकते हो अगर आप एक क्या हो, रजिस्टर्ड पर्सन। सिर्फ एक रजिस्टर्ड पर्सन क्या ले सकता है, आईटीसी ले सकता। पहली बात, क्विक डाउट, क्या बोला है मैंने कि आप क्रेडिट तभी लोगे जब आप एक रजिस्टर्ड पर्सन हो, क्योंकि रजिस्टर्ड पर्सन ही तो टैक्स पे करते हैं, तो क्रेडिट भी वही लेगा। बात समझ में, इसमें कोई डाउट तो नहीं? मैं स्लो चल रही हूँ, तुम्हारा हारना मेरे लिए बहुत जरूरी है इस पे, ठीक है? दूसरी कंडीशन बोलता है, आप आईटीसी तभी ले सकते हो, आप आईटीसी तभी ले सकते हो जो गुड्स आपने ट्रांसफर किए हैं वो क्या होने चाहिए, टैक्सेबल नेचर के, क्योंकि जिन चीजों का एग्जेम्प्ट नेचर है उस पर कभी जीएसटी पे ही नहीं हुआ, जब जीएसटी पे नहीं हुआ तो तुम आईटीसी कैसे लोगे? समझ में आई मेरी बात? तो क्या होना चाहिए उस पे, वो टैक्सेबल नेचर के गुड्स होने चाहिए, क्योंकि टैक्सेबल नेचर के गुड्स पे ही तो तुम टैक्स पे करोगे, टैक्स पे करोगे तभी तो आईटीसी अवेल करोगे, इसमें भी कोई डाउट नहीं? तीसरा, अब ये सेक्शन 16 का नहीं है, बट मैं तीसरी कंडीशन बता रही हूँ, ये वो गुड्स होने चाहिए, ये वो गुड्स होने चाहिए
जिसका सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन 5 में आईटीसी ब्लॉक नहीं होना चाहिए। कुछ चीजों पे आईटीसी ब्लॉक होता है, पढ़ा है ना इंटर में इतना, तो भले ही कुछ नहीं याद हो तुम्हें, बस ये वर्ड याद होना चाहिए कि ब्लॉक होता है आईटीसी, उतना ही मेरे लिए बहुत है। तो ये वो गुड्स नहीं होना चाहिए जिसका आईटीसी ब्लॉक हो, ये वो गुड्स होना चाहिए जो टैक्सेबल नेचर के होने चाहिए, और ये वो गुड्स होना, ये वो होना चाहिए पर्सन जो रजिस्टर्ड पर्सन है, उसी को आईटीसी मिलेगा, एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को आईटीसी नहीं मिलेगा। अब मेरी बात समझना ध्यान से, ये है शॉप, ये हो गई शॉप, ठीक है, और ये हो गए हम क्या खरीद के लेके आए मैम? हम हमारे बिजनेस के लिए ये खरीद के ले आए बिजनेस असेट, ये खरीदने की बात चल रही है उस जमाने पे चल रही है जब हम खरीद के लेके आए थे। अब पूरा ध्यान इधर इधर का उधर किया तो बहुत कुछ इधर उधर हो जाएगा, मैं रिपीट भी नहीं कर पाऊंगी। मैम ये शॉपकीपर कौन? ये है रजिस्टर्ड पर्सन केस ए, ये मेरा रजिस्टर्ड पर्सन है, बकायदा इसका जीएसटीएन नंबर है, समझते हो ना रजिस्टर्ड पर्सन, सब लोग इंटर में तो पढ़ा है ना जीएसटी, निधि हाना करती जाओ, समझ में है, ये रजिस्टर्ड पर्सन है। अब मैम ये रजिस्टर्ड पर्सन से हमने क्या किया, ये लैपटॉप खरीदा, इसने क्या बनाया होगा मैम? इनवॉइस बनाया होगा बकायदा, यस मैम, इनवॉइस बना के उस पर क्या लगाया होगा? जीएसटी, बात बनी, जीएसटी लगा। इसका मतलब रजिस्टर्ड पर्सन ये है, और ये खरीदने वाला भी मैम पता है कौन है? ये भी एक रजिस्टर्ड पर्सन है, मतलब बिजनेस टू बिजनेस काम चल रहा है, बिजनेस टू बिजनेस परचेस चल रही है, दोनों रजिस्टर्ड है, मैंने खरीदा, तो देने वाला भी मैम रजिस्टर्ड पर्सन, लेने वाला भी कौन? रजिस्टर्ड पर्सन ही है। हमने जीएसटी पे किया, इसका मतलब ये भैया ने क्या किया होगा, हमसे जो जीएसटी कलेक्ट किया वो गवर्नमेंट को देके आया होगा, बोलो हाँ या ना, हुआ होगा कि नहीं है, डन। तो आज जब मैं इसको परमानेंट ट्रांसफर करूंगी, अब मैं क्या करूंगी, यही लैपटॉप आज मेरे लिए कोई काम का नहीं, मैंने इसको कर दिया परमानेंट ट्रांसफर विदाउट कंसिडरेशन शेड्यूल 1। तो अब तुम समझ पाए क्या, तुमने पहले इस पे आईटीसी अवेल किया होगा, जब तुमने जीएसटी भरा, ये सपोज करो तुम खरीद के लाए थे पता है कब, 2017 में, आज 2023 तक तो उसका आईटीसी कब से अवेल हो चुका होगा ना, हुआ होगा कि नहीं? हाँ, तुम हर महीने क्या भरते हो, रिटर्न भरते हो, हर महीने टैक्स के साथ आईटीसी नहीं माइनस करते जाते हो, तो हो गया उसका आईटीसी कब से माइनस हो चुका होगा, कब से तुम अवेल कर चुके हो, बात समझ में? तो आज 2023 में, 2023 में जब तुम इसको परमानेंट ट्रांसफर कर रहे हो, तो अब मैं बोलू क्या मैंने परमानेंट ट्रांसफर किया? हाँ। क्या मैंने बिजनेस असेट को ट्रांसफर किया? हाँ। क्या मैंने इसी असेट पे आगे चल के आईटीसी अवेल किया होगा? तो अब क्या है ये, इवन विदाउट कंसिडरेशन है ये सप्लाई है, क्या ये बात समझ में? पर जो इनबिल्ट कंडीशन है क्या है मैम, इस पर्सन ने जीएसटी तभी लगाया होगा जब ये खुद रजिस्टर होगा, अगर ये रजिस्टर नहीं होता तो तुम क्या टैक्सेबल इनवॉइस दे सकते हो? मैं रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैंने तुमको कोई इनवॉइस दिया जीएसटी लगा के फीस पे? नहीं। तो अगर मैं रजिस्टर्ड नहीं हूँ तो मैंने तुमसे टैक्स कलेक्ट नहीं किया होगा, और जब कलेक्ट नहीं हुआ होता टैक्स, तो क्या यहाँ पे ये पर्सन आगे चल के बोल पाता कि मेरे को आईटीसी मिला होगा? तो सप्लायर का रजिस्टर होना जरूरी है, ठीक है, यहाँ सप्लायर रजिस्टर्ड, जो खरीदता है उसको भी तो, उसका भी तो एक जीएसटीएन नंबर होना चाहिए, तभी तो बोल पाएगा गवर्नमेंट को मेरे को आईटीसी दो, आगे चल के अगर ये टैक्स पे करता होगा तभी तो आईटीसी ले पाएगा, ये बात को समझ रहे हो? तो अगर जब ये आगे चल के टैक्स पे करेगा तभी तो आईटीसी लेगा, अगर ये रजिस्टर्ड है तो ही आईटीसी अवेल कर सकता है। अब मैं क्या करती हूँ, कंडीशन हटाऊं, सपोज करो ये हो जाता अनरजिस्टर्ड पर्सन, और रजिस्टर्ड पर्सन अगर एक अनरजिस्टर्ड पर्सन से खरीदेगा तो क्या यहाँ जीएसटी मिलता तुमको? अब ये वाला आएगा परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट ऑन विच आईटीसी अवेल, हो ही नहीं सकता क्योंकि जीएसटी नहीं गया था कभी, समझ में आई बात? ये वाला वापस हटाते, जिंदगी को थोड़ा रिवर्स करते, अब ये रजिस्टर्ड पर्सन है, जीएसटी भी लगा है, लेकिन खरीदने वाला कौन है? अनरजिस्टर्ड। आगे चल के जीएसटी तो भर के आया लेकिन लेगा कैसे गवर्नमेंट से, उसका खुद का रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, तो आईटीसी ले सकता है क्या वो? नहीं ले सकता। फिर आगे चल के बोलोगे क्या परमानेंट ट्रांसफर ऑन असेट ऑन विच आईटीसी अवेल? करा ही नहीं अवेल। तो
तो एक चीज तुम्हें लॉजिक समझ में, इन बिटवीन दोनों का रजिस्टर होना जरूरी है, दोनों रजिस्टर होंगे तब जाके बात बनती, नहीं तो बात नहीं बनेगी। ये हुआ पहला एनालिसिस खत्म, डन। हाँ ये जो तुमने किया ना, मुझे से मिल गया कि आ गया, नहीं तो मेरे को अंदर से घबराहट होती कि जा रहा है कि नहीं जा रहा है। चलो अब दूसरा रजिस्ट्रेशन, दूसरा एनालिसिस, तो हम दोनों रजिस्टर्ड हैं, ये भी रजिस्टर्ड ये भी रजिस्टर्ड, मगर लैपटॉप पे 0% जीएसटी। जब जीएसटी गया ही नहीं दादाजी, तो कैसे तुम आईटीसी लोगे? तो इसीलिए बोला था ना, टैक्सेबल नेचर होना चाहिए उन गुड्स का। तीसरा, दोनों रजिस्टर्ड, तुम्हारा जीएसटी भी गया, लेकिन आगे चल के लिखा है आईटीसी ब्लॉक। जब उन्होंने ही आईटीसी ब्लॉक करके रखा है, 17 सबसेक्शन 5 है आगे, तुम्हें अभी याद भी नहीं रखना कि उसमें क्या क्या होता है, बस वो ब्लॉक समझ गए कि इन्होंने ही आईटीसी ब्लॉक कर दिया। तो क्या तुम बोलोगे परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट ऑन विच आईटीसी अवेल, कैसे अवेल करोगे ब्लॉक के? तो ये तीन प्रोबेबिलिटी निकलती है, यही तीन क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें से एक को रजिस्टर कर देंगे, एक को अनरजिस्टर कर देंगे, समझ जाना परमानेंट ट्रांसफर वाली कहानी नहीं लगे। दोनों को रजिस्टर रखेंगे, एग्जेम्प्ट नेचर कर देंगे, तब भी आईटीसी अवेल नहीं होता। तीसरा, दोनों को रजिस्टर भी रखा, इसको टैक्सेबल भी रखा, फिर आगे लिख देंगे आईटीसी ब्लॉक। क्वेश्चन समझ में आ गया? तीन तरह के क्या है, डन। फिर नहीं समझे, वो क्या है, ये सर्विस के लिए नहीं है, सिर्फ गुड्स पे, क्योंकि क्या लिखा है, बिजनेस असेट, तो ये सर्विस पे नहीं होता। परमानेंटली यू आर गिविंग सर्विस टू अ पर्सन फ्री ऑफ कॉस्ट। दादा दादी मेरे, प्लीज यहाँ पे मत लिख के आना तुम कि अरे परमानेंट ट्रांसफर है, मत करना। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ गुड्स के लिए है, ये सर्विस के लिए नहीं। और इंस्टीट्यूट क्या करेगा, परमानेंटली यू ट्रांस यू गिव सर्विस, यू सप्लाई सर्विस टू एन ऑर्गेनाइजेशन फ्री ऑफ कॉस्ट एंड अवेल आईटीसी। बिल्कुल भारी भारी वर्ड, ये कभी भी सप्लाई नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा सप्लाई? क्योंकि मेरी परमानेंट ट्रांसफर की डेफिनेशन में ये फिट ही नहीं हुआ, वहां बिजनेस असेट चाहिए थी, वहां सर्विस नहीं बोला था। आया? दिस कंप्लीट्स परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट ऑन विच आईटीसी अवेल। अब वो सच क्या गया? मैं, वो सच तो सच ही रह गया, अभी उसको क्या, इसी असेट पे आईटीसी अवेल करना है। जो असेट तुम यहां से खरीद के लाए थे ना, इसी पे आईटीसी अवेल होना था। क्या कहना चाहते हो? मैंने क्या किया, ये सारा रॉ मटेरियल खरीदा, ठीक है, मेरे पास यहाँ कुछ कुछ जो भी पड़ा मैंने सब उठा लिया, ये सब रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल खरीद के लाई रजिस्टर्ड पर्सन से, रजिस्टर्ड पर्सन ने खरीदा, रजिस्टर्ड पर्सन से खरीदा, मैंने ही खरीदा रजिस्टर्ड पर्सन ने, ये सारा रॉ मटेरियल है। आईटीसी तो मैंने अवेल कर लिया, अब आगे चल के इसको बना दिया क्या, मैंने आगे चल के इसको बना दिया फिनिश गुड्स। चलो ये ले लो, ये बन गया फिनिश गुड्स। क्या इस असेट पे आईटीसी अवेल हुआ था जिसको तुम परमानेंट ट्रांसफर करने जा रहे हो? मैं परमानेंट ट्रांसफर कर रही हूँ, मेरा फोन, ये लो मेरा परमानेंट ट्रांसफर हो गया फोन का, क्या मैं इस पे आईटीसी अवेल करके आई थी? मेरा आईटीसी अवेल हुआ था रॉ मटेरियल्स के लिए, तो वो सच वर्ड समझ में कि गुड्स भी सेम होना चाहिए। रॉ मटेरियल खरीद के लाए, कपड़ा वपड़ा सब खरीद के लाए, उसको बना दिए शर्ट। कपड़े पे तुमने क्या किया था, जीएसटी पे किया था, आईटीसी उसका अवेल कर रहे थे, रॉ मटेरियल का, फिनिश गुड्स का आईटीसी नहीं था वो। तो अगर तुम शर्ट को क्या कर रहे हो, परमानेंट ट्रांसफर कर रहे हो, चैरिटी में दे रहे हो, डिस्पोज कर रहे हो, जो भी करो, परमानेंट ट्रांसफर मतलब किसी भी तरह का ट्रांसफर, चैरिटी देना भी तो परमानेंट है, कल चल के मांगोगे क्या, तेरे को 1 साल पहले शर्ट दी थी वापस दे दे, ठीक है, परमानेंट ट्रांसफर डन। अब लिखो, मैं डिक्टेट कर रही हूँ, एक एक चीज लिखते जाओ। बोलो, परमानेंट ट्रांसफर में पॉइंट नंबर 1, एज पर सेक्शन 16 ऑफ आईटीसी, एज पर सेक्शन 16 ऑफ आईटीसी, ओनली अ रजिस्टर्ड पर्सन कैन अवेल आईटीसी। अभी मैं ना अवेल और यूटिलाइज के डिफरेंस पे नहीं गई,
उस पे जाने की यहाँ पे जरूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है? कैन अवेल ITC, ठीक है? सेकंड, मतलब सेकंड लाइन ही बना दो, ITC could be availed only for taxable supply, only for taxable nature of goods. ITC could be availed only for taxable nature of goods. And third point, altogether different third point. Certain ITC are blocked under section 17, subsection 5. Certain ITC are blocked under section 17, subsection 5. ठीक है, अब क्या लिखना, एनालिसिस करके, बोथ रिसिपिएंट एंड सप्लायर बोथ नीड टू बी रजिस्टर्ड पर्सन, और उसके साथ में ये एग्जाम्पल की ड्राइंग कर लो, तुम्हें समझ में आएगा, दोनों को रजिस्टर्ड होना जरूरी, बोथ रिसिपिएंट एंड सप्लायर नीड टू बी रजिस्टर्ड पर्सन. सेकेंड, इट शुड बी अ परमानेंट ट्रांसफर, नॉट टेम्पररी. एग्जाम्पल रेंट, इट शुड बी परमानेंट ट्रांसफर, नॉट टेम्पररी. एग्जाम्पल रेंट. नेक्स्ट, ITC शुड बी अवेल्ड ओनली ऑन सेम असेट, और ऑब्लिक में लिखना सच. ITC शुड बी अवेल्ड ऑन सेम असेट, और ब्रैकेट में सच. नेक्स्ट, बिजनेस असेट कुड बी स्टॉक इन ट्रेड और कैपिटल गुड्स. बिजनेस असेट कुड बी स्टॉक इन ट्रेड और कैपिटल गुड्स. नेक्स्ट, पैरा वन इज एप्लीकेबल ओनली ऑन गुड्स, नॉट सर्विस. पैरा वन इज एप्लीकेबल ओनली ऑन गुड्स, नॉट सर्विस. डन, एक बार गो थ्रू कर लो, कुछ भी लगे तो पहले फिर नेक्स्ट पे जाएंगे. डन,
चलो अब पैराग्राफ नंबर 1 संपला, खत्म, फाइनल, ठीक है। अभी इसलिए बोल रही थी ना, दिस इज ऑल काइंड ऑफ अ चैप्टर फॉर मी। अभी शेड्यूल 1 भी एक चैप्टर की तरह ही है। इम्पोर्ट ऑफ सर्विस कल से चालू किया था, आज खत्म हुआ। तुम्हारे लिए क्या प्रॉब्लम, या फिर बोलो बहुत मैंडेटरी डिसिप्लिन में रहना है डेली रिविजन, क्योंकि अभी अभी तो सब समझ में आ रहा है कि हाँ। जब धीरे धीरे ये लिंक छूट जाएगी ना, तकलीफ तब आएगी। तो मैं तो देखो टाइमर दे रही हूँ, लिखवा भी रही हूँ, सब कर रही हूँ, उसके बाद भी कहीं लगता है कि यार ये चीज याद नहीं आई मेरे को रिकॉल करने में, तो उसी वक्त बुक खोलो और उसको समझो। अभी मैं हूँ, डाउट्स अभी पूछो, बाद में तुम लोग पता है कब डाउट पूछते, लिटरली डाउट तुमको तब जाते हैं जब तुम्हारी एग्जाम में रहते हैं 15 दिन 20 दिन, तब तुम लोग डाउट निकाल निकाल के आते। डाउट का टाइम अभी है, बाद में रिविजन होता है, ठीक है, तब देना है। तुम्हारा टारगेट मैं फिर बोल रही हूँ, मॉक टेस्ट पेपर आईसीए कब रिलीज करता है, अप्रैल में, राइट। तुम्हारी एग्जाम भी अप्रैल में ही है, तुम क्यों सोच रहे हो कि 1 मई से मेरी एग्जाम चालू होगी या 10 मई से चालू होगी, नहीं, 1 महीने पहले अपने एग्जाम का टाइम टेबल बना लो और मॉक टेस्ट पेपर आईसीए के इंस्टीट्यूट के वहां पे जाके अटेम्प्ट करो। इतना ज्यादा फर्क पड़ेगा ना एक बार एग्जाम 1 महीने पहले देने का, तुम्हें पता नहीं है चीज, तो यू हैव टू डू दिस। देखो मेरे मेंटरिंग का जो उसमें रहेगा, तुम्हारे को एक प्लानर मिलेगा, प्लानर में मैं वो डेट लिख के दूंगी, पर फॉलो तुमको ही करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद आ जाएंगे दूसरे सब्जेक्ट और रिजल्ट के बाद खुदा ना खास्ता करे और 3 सब्जेक्ट आ गए, तो वैसे ही हालत टाइट हो जाती है। तो अभी से प्लान करो, ये जो अपना टाइम है ना, मेरा टारगेट रहेगा एनी हाउ 50 नहीं तो 60 डेज में मैं पूरा बैच को कंप्लीट करवा दूँ, पर बैच मत कंप्लीट करो, साथ साथ में लर्निंग करके आईडीटी कंप्लीट करो। और वो कब होगा, जब तुम मेरे क्लास के बाद आधा पौन घंटा इसको इज्जत दे दो, थोड़ी इज्जत ये भी मांग रहा है, टाइम दो उसको, ठीक है। मैम एक कंफ्यूजन है, जैसा आप बोलते हो रिवीजन करना है, मैम प्रोविजन पढ़ लेते हैं, पर जैसा आपके साथ में जितने डेप्थ में जा रहे हैं विद एग्जाम्पल, वैसे खुद से सिर्फ डेफिनेशन पे नहीं जाते हैं। अगर एग्जाम्पल रहते हैं तो आदमी सोचते रहता है, प्रैक्टिस होते रहती है, वो चीज़ चाहिए थी मुझे। वो कैसे होता है मैं बताऊँ, जब तुम अब मैं अभी वो आगे तरीका बताऊंगी, लेकिन अभी क्या है, अभी तो तुमने बुक बंद करके सोचना है गुड में क्या है क्या नहीं, क्या है क्या नहीं, तुम उतना ही सोच सकते हो। इसके बाद ये पता है, मैं ऑनेस्टली बोल रही हूँ, मैंने आईडीटी की क्लास किसी से नहीं ली, मैंने किससे पढ़ा, इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल, इसीलिए फेवरेट है मेरा ये पूरा की पूरा। मतलब मेरे पास यहाँ पे भगवान है, कोई झूठ नहीं, कोई एग्जेग्यूरेशन नहीं, कुछ नहीं, कम्प्लीटली सेल्फ स्टडी है ये पूरी। पर समझ कैसे है, आईसीआई के स्टडी मटेरियल से, और एक एक वर्ड को पकड़ा है कि यहाँ पे भी गुड्स लिखा है, यहाँ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस लिखा है, सबको समझा है बैठ के। और अगर ये मैं सच बोल रही हूँ, रिविजन वीडियो देख रही होती ना मैं, किसी के भी, मैं स्ट्रिक्टली अगेंस्ट हूँ रिविजन वीडियो के, सच में। अगर मैं सुन सुन के चल रही होती ना, तो मेरा ये दिमाग चलता ही नहीं। डीटी में भी तुम मेरा एक बार टीडीएस देखना, तुम्हें टीडीएस का लेवल तब पता चलेगा कि टीडीएस क्या है, डला हुआ है यूट्यूब पे है। मैं किसी रीजन से अभी डीटी नहीं ले पा रही हूँ, नहीं तो मुझे क्या, मेरे पास ऑलरेडी तुम्हारे आईडीटी से ज्यादा डीटी के स्टूडेंट की रिक्वेस्ट है कि मुझे डीटी चाहिए, बट मैं 10 तारीख तक कुछ कमेंट भी नहीं कर सकती, क्योंकि उसके लिए मुझे बुक अभी अमेंड करवानी होगी, मेरे पास अभी उसका भी शॉर्टेज ऑफ टाइम है कि मेरे को फिर या तो फिर किसी और की बुक यूज करनी पड़ेगी, मेरे पास अभी कॉन्सेप्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे, बहुत सारी चीजें हैं। हम लोग बाबर बुराना सर की बुक यूज करते हैं, वो तो ठीक है कॉम्पैक्ट हम बना बनाया ले लेंगे, बट बुक अमेंड होने में अभी 10 दिन लग जाते हैं, तो मैं कैसे तुमको कमेंट कर दूं कि मैं डीटी ले लूंगी। ऑल्दो आई एम लिटरली गेटिंग रिक्वेस्ट मोर फॉर डीटी, क्योंकि पिछली बार मैंने आईडीटी इस चक्कर में नहीं पढ़ाया था, मेरे को स्पाइन की कुछ प्रॉब्लम थी तो मैंने एक क्लास नहीं ली थी। अब मेरे साथ ये हो रहा है, अब आईडीटी चालू किया तो डीटी की रिक्वेस्ट आ रही है, पिछली बार डीटी चालू किया था तो आईडीटी की रिक्वेस्ट आ रही थी, उल्टा ही चलता है। एंड आई एम लिटरली टेलिंग यू इट इज ऑल सेल्फ स्टडी। अब तुमको क्या करना चाहिए, तुमने एटलीस्ट एनालिसिस समझा तो सही, दिमाग में अभी तो ताजा है, बुक बंद करो, बार बार हर जगह बुक बंद करो, स्टेप सोचो कि कोई भी ट्रांजेक्शन है उसमें गुड्स है, पहले गुड्स की डेफिनेशन की, फिर उसको सोच के देखो अगर इसमें लिखा होता मनी, अगर इसमें लिखा होता सिक्योरिटी, मतलब जो एक्सेप्शंस है ना, एक्सेप्शंस आर योर क्वेश्चन,
वो एक्सेप्शन इंसर्ट करते रहो। गुड्स हो गया, फिर सर्विस आ गया, फिर कंसिडरेशन के सारे एक्सेप्शंस की प्रोबेबिलिटी में कर क्या रही हूँ बैठ के। एक चीज गायब करती हूँ, एक चीज डाल देती हूँ, एक चीज गायब करती हूँ, उसी को सोच रही हूँ। तुम इतना नहीं कर पाओगे। जैसे ही तुम क्वेश्चंस करोगे, क्वेश्चन की मैं एक तरीका बताऊंगी, एडजस्टमेंट शीट, एक बार में सारे के सारे क्वेश्चंस के एडजस्टमेंट निकाल के रखेंगे अपन, समरी बना के रखेंगे। ऑब्वियसली वो तुम्हें टास्क तो घर पे करना होगा, क्योंकि रेगुलर क्लास नहीं है कि मैं 3 महीने में करवा पाऊँ। मैं तुम्हें हर चीज का तरीका बता दूंगी, हाईलाइट करवा दूंगी क्लास में कि ये एडजस्टमेंट है, ये एडजस्टमेंट है, उसको बस समरी नोट बना लेना, वो पॉइंट्स टू रिमेम्बर वही है। अगली बार करो, इधर प्रोविजन है, इधर तुम्हारे सारे एडजस्टमेंट लिखे हुए, तुम्हें क्वेश्चन बैंक उठानी ही नहीं पड़ेगी। तुम्हें सिर्फ फॉर्मेट पढ़ना है कि इसमें फॉर्मेटिंग ऐसे होती है, ये वाला था, हाँ उसमें ये चीजें लिखी थी और मैंने उसका ये एडजस्टमेंट लिख के रखा है। ऑटोमेटिकली विद प्रोविजन जितने क्वेश्चन है ना उससे रिलेटेड सारे तुमको समझ में आ जाएंगे, क्योंकि थ्योरी पढ़ना अलग है, जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे उसका डेप्थ समझ ही नहीं आएगा। अब मैंने तुम्हें कैसे बताया परमानेंट आंसर लिखा क्या है, तुम कितनी देर में पढ़ते हो, कोई मेरी वाहवाही नहीं है, ज्यादा से ज्यादा तुम 10 मिनट लगाते हो उस पर। अब इसमें एनालिसिस ये कहाँ से आ रहा है मेरे को, ये सारे क्वेश्चन तुम्हारे इंस्टीट्यूट के बुक में है, कभी इधर रजिस्टर कर देंगे, कभी उसको अनरजिस्टर कर देंगे, कभी दोनों को रजिस्टर रख के ब्लॉक ITC कर देंगे। वही तो एनालिसिस है जो वो इन बिटवीन द लाइन करके क्वेश्चन फेंक देते हैं और हम वहीं पे फिसल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने एनालिसिस नहीं। NIDT है तो सही एग्जेम्पशन वाला सब्जेक्ट, बट उसको तरीके से पढ़ना आना चाहिए। थोड़ा टाइम दो, शुरू के 8 दिन तो मैं बोली थी ना कि मैं स्पीड भी नहीं बढ़ाने वाली। उसके बाद जब मैं तुम्हें टारगेट्स दूँ, तब जैसे जो क्वेश्चन बैंक में टेस्ट योर नॉलेज भी है उसमें, उसके अंदर तुम्हारे पास्ट के पेपर, MTP, RTP सब है, बस उसका तुम्हारा एक ही टारगेट रहेगा, एडजस्टमेंट शीट बना लेना। वो बन गई तो तुम्हारा इतना काम आसान हो जाएगा, एक दिन के अंदर IDT नहीं रिवाइज कर लो तो कहना, ठीक है। और सेम अप्लाई द कॉन्सेप्ट फॉर DT। अगर TDS में सपोज करो सेक्शन 192 में लिखा है एनी पर्सन, उसको देखो ना, उसको रजिस्टर्ड रेसिडेंट को नॉन रेसिडेंट करके देखो सेक्शंस में, नॉन रेसिडेंट जैसे ही आते सेक्शन 195 लग जाता है, अगर कोई स्पेसिफिक सेक्शन नहीं हो। मैंने किसी से फोन पे पूछा भी था, बोले मैम मेरी तैयारी बहुत अच्छी, बोध ग्रुप पे जाऊँ, मैंने कहा कौन सा स्ट्रांग है, बोले TDS भी पूछ लो, नो TDS बोल दिया नॉन रेसिडेंट। अरे अगर कोई स्पेसिफिक सेक्शन नहीं है तो 195 नॉन रेसिडेंट का ही सेक्शन है, तुम्हें ये सारे इम्प्लीकेशन घूम फिर के समझ में आने चाहिए, ठीक है। तो क्रक्स इज क्वेश्चन बैंक, और फिर देखो कि किस प्रोविजन से उठ उठ के चीजें कैसे पूछते हैं ये लोग, ठीक है। टाइम लगेगा, मुझे नहीं पता तुम लोग ने ऐसे पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, क्योंकि मैंने किसी और फैकल्टी की क्लास GST की तो नहीं देखी। मैं अगर किसी को रोल मॉडल मानती हूँ ना GST में, तो वो DG सर थे, मतलब है वो अभी हैं लेकिन अब पढ़ाते नहीं है शायद, वो दीपक गुप्ता सर, उनके जैसा एनालिसिस किसी का भी नहीं है, किसी का भी नहीं। उन्होंने बहुत अच्छा एनालिसिस, बट उनकी क्लासेस बहुत ज्यादा लंबी होती है, तो शायद जैसे VG सर का हुआ था उनके साथ भी यही है, ठीक है। चलो अब आ जाए नेक्स्ट वाले पे, तुम्हारा तो ब्रेक भी हो गया बातों बातों में, मैं देने वाली थी ब्रेक फिर मैंने सोचा अब छोड़ो। अब ये क्या है मैम, फर्स्ट पैराग्राफ इज रिलेटेड ओनली टू द सप्लाई ऑफ गुड्स, लेकिन मैम व्हाट अबाउट पैराग्राफ नंबर 2, क्या लिखा है तुम पढ़ो। अगर मैं इसको लिख दूं क्या सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस तो भी क्या है वैलिड है, अगर मेरे को पूरा नहीं लिखना सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस तो मैं सिर्फ क्या लिख के छोड़ू, सप्लाई लिख दू, ओनली सप्लाई, कल बताया था तुमको। अगर मैं पूरा नहीं लिखना चाहूँ एग्जाम में तो शुड आई राइट ओनली सप्लाई, यस, क्योंकि सप्लाई इज अ कॉमन वर्ड, सप्लाई ऑफ गुड्स एज वेल एज सर्विस दोनों कवर होता है उसके अंदर, और इन्होंने पूरा बकायदा लिख के दिया है क्या सप्लाई, सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विस, यहाँ दिक्कत है। तो अगर आप सप्लाई करते हो गुड्स या सर्विस सप्लाई करते हो, जो सप्लाई करना है वो सप्लाई करो, या तो अपने रिलेटेड पर्सन को, डेफिनेशन भगवान की दया से हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। तो अगर मैंने मेरे रिलेटेड पर्सन को इंडिया में गुड सप्लाई किया या सर्विस सप्लाई की, या फिर मेरे डिस्टिंग पर्सन को भी ऐसा दिया, अब वो डिस्टिंग पर्सन की डेफिनेशन जिंदगी में करनी है,
तो या तो रिलेटेड पर्सन को गुड्स एंड सर्विस देते हो या डिस्टिंक्ट पर्सन को गुड्स एंड सर्विस देते हो, जब भी कंसिडरेशन गायब होता है ये हमेशा होना चाहिए बिजनेस में, क्योंकि बिजनेस भी नहीं तो उनको क्या करना है, टर्नओवर कौन सा अकाउंट होगा तुम्हारा, समझ में आई लॉजिक? अगर बिजनेस ही नहीं है तो टर्नओवर किस बात का। तो अभी मैम क्या बताया अपने पैराग्राफ टू, पैराग्राफ टू बोलता है चाहे आप गुड्स सप्लाई करो चाहे आप सर्विस सप्लाई करो, आपको गुड्स एंड सर्विस, गुड्स एंड सर्विस, गुड्स एंड सर्विस किसी को भी देना है कि नहीं, या तो रिलेटेड पर्सन को दो या डिस्टिंक्ट पर्सन को दो, या तो रिलेटेड को दो या डिस्टिंक्ट को दो, और ये कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में होना चाहिए, सिंपल खत्म। तो आपने सप्लाई करना है, चाहे गुड्स सप्लाई करो चाहे सर्विस सप्लाई करो, रिलेटेड पर्सन को दो डिस्टिंक्ट पर्सन को दो, कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में होना चाहिए, बात खत्म। अब चालू करते हैं, ठीक है? अब तुमने मेरे साथ पैराग्राफ 4 भी पढ़ा है, पढ़ लिया ना? क्या था पैराग्राफ 4? इम्पोर्ट ऑफ सर्विस। इम्पोर्ट ऑफ सर्विस रिलेटेड से करो या अपने ही एस्टेब्लिशमेंट से करो जो इंडिया के बाहर है, कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में करो, वो सिर्फ सर्विस के लिए था, वो इंटरनेशनल लेवल की बात थी। यहाँ पे भी तो क्या है, रिलेटेड पर्सन ही है, यहाँ पे भी तो क्या, तुम्हारा ही एस्टेब्लिशमेंट डिस्टिंक्ट पर्सन होता है, वो अभी समझोगे तुम, खुद के एस्टेब्लिशमेंट ही होते हैं वो भी, पर ये वाला क्लॉज किसके लिए, डोमेस्टिक नेचर के लिए, कि अंदर अंदर इंडिया में जो भी कर रहे हो वो करो। मैम अगर मैं इम्पोर्ट ऑफ सर्विस करूं तो पैरा 4 है, और अगर चाहे सर्विस दो या गुड्स दो, इंडिया इंडिया में जो भी खेल खेल रहे हो, पैरा नंबर 2, वहां पे मैं खरीदती थी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का, यहाँ पे मैं नहीं खरीद रही, बोल ही रहा है सप्लाई तुम कर रहे हो, यहाँ रिवर्स चार्ज नहीं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। चलो फिर से, अभी तो लॉजिक छोटे छोटे से हैं, फिर से हम इसको समझते हैं। मैम क्या बोल रहा हूँ, अगर आप सप्लाई करते हो गुड्स या फिर आप क्या करते हो सर्विस से सप्लाई करते हो रिलेटेड पर्सन को, इसमें तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। रिलेटेड पर्सन कौन होगा, वही मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली, वही सारी चीजें, ठीक है? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं इसी को कर रही हूँ अभी, ये वाले पॉइंट को ही अभी मैं कवर कर रही हूँ, सिर्फ रिलेटेड पर्सन तक, इससे आगे हम कुछ नहीं जा रहे। अगर मैं कुछ नहीं भी लिखूँ और तुमसे बोलूँ कि मैंने गुड सप्लाई किए मेरे रिलेटेड पर्सन को, मैंने क्या किया, गुड सप्लाई किए किसको, मेरे रिलेटेड पर्सन को, ठीक है? अब ये जो गुड्स मैंने मेरे रिलेटेड पर्सन को सप्लाई किए, इट इज फॉर कंसिडरेशन, इट इज वॉट, फॉर कंसिडरेशन। अब तुम मुझे बताओ कैसे ये सप्लाई बनेगा, व्हाट इज द रीजन कि ये सप्लाई बने, मैंने गुड सप्लाई किए मेरे रिलेटेड पर्सन को फॉर कंसिडरेशन, सप्लाई बना कि नहीं बना पहले ये बताओ। गुड सप्लाई किए, गुड्स है, रिलेटेड पर्सन को सप्लाई किए, कंसिडरेशन है और कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, तो गुड्स भी हैं, कंसिडरेशन भी है, कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस भी है। अब फिर से वही लॉजिक लगाओ ना, कंसिडरेशन आया तो हमको कोई मतलब नहीं कौन किसको दिया क्या किया, बस कंसिडरेशन है, और गुड्स के लिए याद है क्लॉज ए कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, वो भी है, कोई दिक्कत नहीं। मैम अगर हम गुड्स सप्लाई करते किसको सप्लाई करते, रिलेटेड पर्सन को ही सप्लाई करें लेकिन कंसिडरेशन नहीं है, तभी तो शेड्यूल वन आएगा, और शेड्यूल वन बोलता है कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस तो चाहिए, वही लॉजिक तो है सेम जो तुमने अभी इम्पोर्ट ऑफ सर्विस में किया। अगर मैं गुड सप्लाई कर रही हूँ मेरे रिलेटेड पर्सन को लेकिन कंसिडरेशन है, तो हमको क्या करना, पैसा मिल गया बिजनेस में, मिला है पैसा, हाँ बात खत्म। सर्विस के लिए तुमने बोला था वेदर और नॉट फॉर बिजनेस, गुड्स के लिए ऐसा नहीं बोल सकते क्योंकि दिया नहीं, यहाँ तक बात समझ में? हमने गुड सप्लाई किया, रिलेटेड पर्सन को सप्लाई किया, विद कंसिडरेशन सप्लाई किया, बिजनेस में सप्लाई किया, मैम ये सप्लाई है, लेकिन जब इसी रिलेटेड पर्सन को मैं विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई करूंगी, कौन सामने आएगा, शेड्यूल वन, और वो बोलेगा कंपलसरी बिजनेस में ही होना चाहिए, तो इन शॉर्ट दोनों में ही कंपलसरी बिजनेस तो चाहिए। दूसरा, अगर कंसिडरेशन है तो शेड्यूल वन के अकॉर्डिंग सप्लाई नहीं हो रहा है, वो हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हो रहा है, पर अगर कंसिडरेशन नहीं है तो शेड्यूल वन आता है, और शेड्यूल वन के अकॉर्डिंग ये सप्लाई बनता है, इसीलिए शेड्यूल वन में लिखा है डीम्ड सप्लाई, मान लिया हमने कि ये सप्लाई, ऑल इज वेल,
फिर इसके बाद मैम फिर से गुड सप्लाई कर रहे हैं, अनरिलेटेड पर्सन को सप्लाई कर रहे हैं, गुड सप्लाई कर रहे हैं अनरिलेटेड पर्सन को विद कंसिडरेशन। भूल जाओ, कंसिडरेशन सुनाई दे गया हमको, कंसिडरेशन है बिजनेस के लिए किया है, हाँ सप्लाई है, बट हमने फिर से अनरिलेटेड पर्सन को दिया विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई किया। मैम अब नहीं भूल सकते, क्यों? जब भी कंसिडरेशन नहीं है शेड्यूल वन आएगा, और शेड्यूल वन क्या बोलता है, रिलेटेड पर्सन को करो, अभी डिस्टिंक्ट पढ़ा नहीं है बट रिलेटेड पर्सन को करो और कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में करो। भले ही आप ये काम बिजनेस में कर रहे थे, क्या हुआ, ये तो अनरिलेटेड है तो ये सप्लाई ही नहीं है। वही लॉजिक समझ में है जो इम्पोर्ट ऑफ सर्विस में कर रहे थे, सेम वैसा ही लॉजिक है, पर इम्पोर्ट ऑफ सर्विस में कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का लफड़ा था, यहाँ कोई लफड़ा नहीं, यहाँ दोनों जगह बिजनेस में ही करना पड़ेगा क्योंकि गुड्स है। डन। अब सर्विस पे आते हैं। मैंने मेरे रिलेटेड पर्सन को सर्विस दी, मैंने कंसिडरेशन चार्ज किया, भूल जाओ कंसिडरेशन सुनाई दे गया, आपने कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में अगर सर्विस दी है तो ये सप्लाई है, यहाँ तक ओके? फिर से, मैंने मेरे रिलेटेड पर्सन को सर्विसेज दी, कंसिडरेशन चार्ज नहीं किया, अब कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है नहीं। माइन्यूट डिटेल, बहुत माइन्यूट डिटेल। उधर मैम हम बाहर से सर्विस ले रहे थे ना, तब हम कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है नहीं ये सारी चीजें कर रहे थे, ये डोमेस्टिक है। इंडिया में ही अगर आप सर्विस सप्लाई कर रहे हो अपने ही रिलेटेड पर्सन को विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई कर रहे हो, कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस चाहिए। वहां पे भी यही था, इम्पोर्ट भी करो तो कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस चाहिए ही चाहिए। इंडिया में अगर आप सर्विसेज दे रहे हो रिलेटेड पर्सन को दे रहे हो, मैम कंसिडरेशन नहीं है, कंसिडरेशन नहीं है, मेरा रिलेटेड पर्सन है उसको मैंने सर्विस दी, बिजनेस के लिए ही सर्विस दी, तो क्या होगा? इंडिया डोमेस्टिक रिलेटेड पर्सन को सर्विस भी दी, कंसिडरेशन के साथ दी, अगर कंसिडरेशन दिया तो मैं वैसे भी नहीं सोचने वाली, कंसिडरेशन नहीं दिया तो मैं पैरा फोर नहीं लगाऊंगी, डोमेस्टिक नेचर के लिए पैरा नंबर टू में जजमेंट करना। तो अभी क्रक्स क्या है, पैरा टू डोमेस्टिक 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 सुनाई देना चाहिए, पैरा टू डोमेस्टिक नेचर की चीजों पे चल रहा है, पैरा फोर इंटरनेशनल लेवल पे सिर्फ सर्विस कवर कर। मैम गुड्स क्यों नहीं कवर किया उसने, कस्टम ने कवर कर लिया, तो मैम आपने डोमेस्टिक नेचर में गुड्स क्यों लिखे, अरे कस्टम लगता है इंटरनेशनल पे, डोमेस्टिक पे कस्टम नहीं लगता, तो वहां तो कवर होना था ना, लॉजिक समझ में है, फ्रेमिंग ऑफ लॉ। पैरा टू, फिर बोलो, पैरा टू गुड्स एंड सर्विस दोनों है, हाँ पर वो डोमेस्टिक नेचर पे है इसलिए गुड्स भी है और सर्विस भी है, वहां कस्टम नहीं लगता। पैरा नंबर फोर, क्यों सिर्फ सर्विस, क्योंकि गुड्स के लिए कस्टम एक्ट है, सर्विस के लिए नहीं है, तो हमने उसको स्पेसिफिकली कवर किया था पैरा फोर में इंटरनेशनल लेवल, वहां पे भी रिलेटेड पार्टी था, यहाँ पे भी रिलेटेड पार्टी है, फोर में भी रिलेटेड पार्टी था, यहाँ पे भी रिलेटेड है, वहां ओन एस्टेब्लिशमेंट लिखा है, तुम्हें आगे चल के अभी समझ में आ रहा है डिस्टिंक्ट पर्सन तुम्हारा ही एस्टेब्लिशमेंट होता है, तो वहां पे लिखा है ओन एस्टेब्लिशमेंट, यहाँ पे डिस्टिंक्ट पर्सन वर्ड यूज करते हैं उसको, है तो वही, वहां पे भी फर्दरेंस ऑफ बिजनेस चाहिए था, यहाँ पे भी फर्दरेंस ऑफ बिजनेस चाहिए अगर कंसिडरेशन जिंदगी से गायब हो जाए तो मेन क्रक्स क्या समझना था यहाँ पे, वो डोमेस्टिक लेवल है, पैरा टू, पैरा फोर इंटरनेशनल लेवल, इतना आ गया। तो अब पैरा टू के ऊपर पहले लिख लो डोमेस्टिक नेचर, और पैरा फोर के ऊपर लिखना है तो लिख लो इंटरनेशनल लेवल। अरे रुकोगे 1 मिनट, पहले पूरा कर लूँ फिर मैं टाइम दूंगी। लिखा, फिर क्या लिखो, पैरा फोर की रिस्पेक्ट में थोड़ा सा लिखना है तो लिखो, अंडर पैरा फोर गुड्स आर नॉट कवर्ड एज कस्टम एक्ट इज एप्लीकेबल, अंडर पैरा फोर गुड्स आर नॉट कवर्ड एज कस्टम एक्ट इज एप्लीकेबल, हाउएवर इन पैरा टू
जीएसटी इज एप्लीकेबल इन इंडिया, वहां कस्टम थोड़ा ना आएगा। हाउएवर इन इंडिया जीएसटी इज एप्लीकेबल अंडर पैरा टू। देन पैरा फोर इज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, पैरा टू इज फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। ये दो पॉइंट। अभी हिम्मत है तो मैं डिस्टिंक्ट पर्सन समझा दूं, तुम्हारी हिम्मत के ऊपर मेरी क्लास चलेगी, या फिर 2-5 मिनट का बस ब्रेक दे दो, हो जाएगा, फिर हम 11 बजे तक पढ़ सकते हैं, जैसा बोलो। मैं सोच रही हूँ 11 बजे तक ले ले क्लास। 5 मिनट का ब्रेक दूं? चलो 5 मिनट्स का रिफ्रेशमेंट ब्रेक तुम्हारे लिए लूंगी। डाउट मधुर 5 मिनट मतलब ये कवर होने के बाद।
ऑल इज वेल, जाओ। चलो, छोटी सी डेफिनेशन है, बहुत ऐसे घबराने वाली कोई डेफिनेशन नहीं है, जल्दी से खत्म हो जाएगी। अब व्हाट डू यू मीन बाय डिस्टिंक्ट पर्सन एंड व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटेड पर्सन? जिंदगी में रिलेटेड पर्सन अच्छा हुआ कि पहले कर लिया था तो आज वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? अब मैम, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्टिंक्ट पर्सन? डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है? देखो, पहले क्या होता था, एक जगह पे मतलब एक स्टेट में अगर आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया तो वो इंडिया में हर जगह वैलिड होता था। दैट वाज सेंट्रलाइज्ड रजिस्ट्रेशन। जीएसटी ने इस कॉन्सेप्ट को ही हटा दिया। अब जीएसटी कहता है कि सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, अब क्या होगा, स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन होगा। तो यहाँ पे फॉर द पर्पस ऑफ व्हाट, फॉर द पर्पस ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन, मैं किसको समझा रही हूँ, थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन पार्ट समझ रहे। अब यहाँ रजिस्ट्रेशन में क्या बोला है, क्या मैम यहाँ पे कोई सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन होता है? तो कोई सेंट्रल रजिस्ट्रेशन नहीं है जीएसटी में, नो। क्या मैम जीएसटी में स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन होता है? यस, जीएसटी में होता है स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन, यस, ठीक है। तो ये जो जीएसटी में मेरा स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन है, जीएसटी में ये जो मेरा क्या है, स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन है, इसको कैसे करते हैं? इसके लिए आपको चाहिए होता है पैन नंबर, कंपलसरी पैन और आधार वगैरह तो चाहिए ही होता है। तो बोलते हैं, सपोज करो आप कहाँ कहाँ पे बिजनेस करते हो, आप एमपी में बिजनेस करते हो। अभी मैं गुड्स के रिस्पेक्ट में हूँ या सर्विस के रिस्पेक्ट में हूँ, अभी मैं वो लिमिट्स नहीं बता रही किस पे 20 लाख का है क्या है, कुछ नहीं, बस एक बेस। तो एमपी में भी मैं बिजनेस करती हूँ, महाराष्ट्र में भी हमारा बिजनेस है, हम ले लेते हैं राजस्थान भी ले लेते हैं, वहां पे भी बिजनेस कर लेते हैं हम, पंजाब में भी बिजनेस कर लेते हैं। बोलना क्या चाहते हो कि यहाँ पे हमारा अलग अलग जगह क्या है, बिजनेस है। तो अलग अलग जगह बिजनेस है तो क्या आपको अलग अलग जगह रजिस्ट्रेशन लेना होगा? हाँ, आपको अलग अलग जगह क्या लेना होगा, रजिस्ट्रेशन। थ्रेशोल्ड क्रॉस होता है, अगर एक स्टेट में भी आपका थ्रेशोल्ड क्रॉस हुआ तो आपको हर स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। क्या यहाँ तक बात समझ में? लेकिन एक छोटू सा एक्सेप्शन है मैम। क्या एक्सेप्शन है? छोटा सा एक्सेप्शन ये है कि अगर थ्रेशोल्ड क्रॉस हुआ, ये हो गया मेरा क्या, थ्रेशोल्ड क्रॉस, ये क्या हो गया, यहाँ पे मेरा थ्रेशोल्ड क्रॉस हो गया। अगर मेरा क्या है, यहाँ पे थ्रेशोल्ड क्रॉस हो गया, तो बोलते हैं कि वैसे तो आपको स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जहां पे आप एग्जेम्प्ट नेचर का सप्लाई करते हो, कंप्लीटली कंप्लीटली, एक भी टैक्सेबल नहीं होता, अगर आप क्या करते हो, एग्जेम्प्ट नेचर का सप्लाई करते हो, तो वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन उस स्टेट में लेने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ गई? ये रजिस्ट्रेशन में लिखा हुआ है। और भी ऐसी चीजें जहां जहां पे रजिस्ट्रेशन नहीं लेना होता है, जैसे अगर आपका कंप्लीट रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है, तो बहुत सी चीजें रजिस्ट्रेशन है। अभी के लिए तो मेरे को सिर्फ इतना समझना है कि एक ही चीज है, अगर एग्जेम्प्ट नेचर है तो। ये यहाँ तक कोई डाउट है? अब प्रॉब्लम क्या है, बोलते देखो, आप एज अ पर्सन, आपके इतने सारे जगह रजिस्ट्रेशन है, आपने यहाँ पे भी वही पेन यूज किया, यहाँ पे भी वही पेन यूज किया, यहाँ पे भी वही पेन नंबर यूज किया, यहाँ भी सेम पेन यूज किया, और आपने अलग अलग स्टेट में रजिस्ट्रेशन ले लिया। अब वो बोलता है कि जब आप क्या करते हो, एमपी से महाराष्ट्र में अगर क्या होता है, कोई ट्रांजेक्शन होता है, आप तो सेम ही हो, यहाँ भी आप हो, यहाँ भी आप हो, सेम पेन। तो बोलते हैं भले आप हो, लेकिन आपको आप नहीं माना जाएगा। क्या कहना चाहते हो? आप माने जाओगे डिस्टिंक्ट पर्सन, आप सेम पर्सन नहीं हो, आप दोनों अलग हो। मतलब क्या, दो अलग लोगों के बीच का ट्रांजेक्शन जीएसटी लगेगा, ये सप्लाई है, वही तो बोल रहा है ये। अगर चाहे आप गुड्स सप्लाई करो, सर्विस सप्लाई करो, डिस्टिंक्ट को भी विदाउट कंसिडरेशन दिया, ये सप्लाई है। तो वही चीज इसने बोली कि डिस्टिंक्ट को आप और आप भले ही सेम पेन में रजिस्टर्ड हो, डिस्टिंक्ट को। तो ये कौन बोलता है, सेक्शन नंबर 25 सबसेक्शन 4 आपका डिस्टिंक्ट पर्सन की डेफिनेशन देता है। क्या सेक्शन याद रखना है? नहीं, ठीक
ठीक है। दूसरा क्या बोलता है, एक तो हो गया ये डिस्टिंक्ट पर्सन, अब दूसरा क्या बोलता है, फिर से ये आप, ठीक है, अब ये एक ही स्टेट है, ये एक ही स्टेट है, ये रही मेरी एक सेम स्टेट, बोलता है इसी स्टेट में आप चाहो तो दो रजिस्ट्रेशन भी ले सकते हो। अरे अभी तो आप बोल रहे थे स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन होगा, मैंने कहा देखो यहाँ पे मेरा काम क्या है पता है, बुक सेल करने, और यहाँ हम सेल करते हैं इसी स्टेट में कॉस्मेटिक, दोनों में कोई लेन देन नहीं है, टोटली अपोजिट, वर्टिकल से अलग है। तो आपको चॉइस दिया है, अगर आपके मल्टीपल बिजनेस है, हो गया ना ये मेरे मल्टीपल बिजनेस है, तो बोलता है अगर आपके क्या है मल्टीपल बिजनेस है तो आपके पास चॉइस है, आप एक रजिस्ट्रेशन इसका ले लो, एक रजिस्ट्रेशन इसका ले लो, मतलब सेम स्टेट में दो रजिस्ट्रेशन पॉसिबल है अगर आपका मल्टीपल रजिस्ट्रेशन मल्टीपल बिजनेस है तो। अब ऐसा अगर है मैम और हम दोनों के बीच में ट्रांजेक्शन होता है तो भी क्या माना जाएगा, आप तो आप हो लेकिन आप नहीं हो, आप क्या हो डिस्टिंक्ट पर्सन। यह बात समझ में आ गई। अब एक और चीज 25 सबसेक्शन 5 की, एक और डिस्टिंक्ट पर्सन की डेफिनेशन, हाँ एक और, अब ये क्या बोलता है, ये आपका एक एस्टेब्लिशमेंट, ये एक स्टेट ये दूसरी स्टेट, ये सेम स्टेट में भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि अलग अलग स्टेट हो, सेम कॉन्सेप्ट सेम स्टेट के लिए भी हो सकता है। बोलते हैं इस स्टेट में क्या है आपका बिजनेस है, ये ले लेते हैं हम एमपी, ये हो गई हमारी महाराष्ट्र, ये दोनों स्टेट्स में आपका क्या रजिस्ट्रेशन, यहाँ तो हमने क्या बोल दिया कि अगर दोनों, अगर ये भी रजिस्टर्ड है ये भी रजिस्टर्ड है, हमने अभी पहले ही बोल दिया था आप दोनों क्या हो डिस्टिंक्ट ही माने जाओगे। लेकिन अब सपोज करो ऐसा ना हो तो कैसा हो, एमपी में भी आपका एस्टेब्लिशमेंट है, महाराष्ट्र में भी आपका एस्टेब्लिशमेंट है, लेकिन महाराष्ट्र से सिर्फ एग्जेम्प्ट नेचर ऑफ सप्लाई होता है, मेरा थ्रेशोल्ड क्रॉस हुआ, मुझे बोला सब स्टेट में रजिस्ट्रेशन दो, फिर मुझे वो कॉन्सेप्ट याद आया कि यहाँ तो सिर्फ एग्जेम्प्ट नेचर ऑफ सप्लाई होता है, तो मेरा ये एस्टेब्लिशमेंट क्या रजिस्टर्ड होगा, नहीं, पर ये एस्टेब्लिशमेंट तो मेरा रजिस्टर्ड होगा, यहाँ पे मैं टैक्सेबल सप्लाई करती हूँ। तो बोलता है अगर आपने एक या एक से ज्यादा स्टेट में एस्टेब्लिशमेंट रखे हैं, एक एस्टेब्लिशमेंट रजिस्टर्ड है और दूसरा अदर एस्टेब्लिशमेंट है, और आप लोग भी आपस में अगर क्या करते हो यहाँ पर ट्रांजेक्शन करते हो, ये भी डिस्टिंक्ट पर्सन। तो तुम वर्डिंग अगर पढ़ोगे ना तो लिखा है वन एस्टेब्लिशमेंट, क्या लिखा है वन रजिस्टर्ड एस्टेब्लिशमेंट एंड हैज अनादर एस्टेब्लिशमेंट, क्लियर, उन्होंने लिखा ही है 25 सबसेक्शन 4 के लिए, एक एस्टेब्लिशमेंट रजिस्टर्ड एक स्टेट में और यहाँ क्या लिखा है अनादर एस्टेब्लिशमेंट, यहाँ रजिस्टर्ड वर्ड यूज नहीं हुआ, आया समझ में, डन। तो वही लिखा है ये इसके लिए, एक एस्टेब्लिशमेंट अगर आपकी रजिस्टर्ड है और दूसरी एस्टेब्लिशमेंट है किसी स्टेट में, तो आप दोनों के बीच का भी जो ट्रांजैक्शन है वो क्या है डिस्टिंक्ट पर्सन, डन। तो डिस्टिंक्ट पर्सन मतलब क्या, या तो आप मल्टीपल जगह पे रजिस्टर्ड हो आपस में ट्रांजैक्शन करो तो भी डिस्टिंक्ट, अगर एक रजिस्टर्ड है दूसरा रजिस्टर्ड नहीं है तो भी डिस्टिंक्ट, अगर एक ही स्टेट में ड्यू टू मल्टीपल बिजनेस आपने अलग अलग रजिस्ट्रेशन दिया है तो भी आप क्या हो आपस के ट्रांजेक्शन आपके डिस्टिंक्ट ही है। तो अब आता है समझ में, आप चाहे गुड सप्लाई करो, सर्विस सप्लाई करो, रिलेटेड को सप्लाई करो या डिस्टिंक्ट को सप्लाई करो, इंडिया में अगर ये विदाउट कंसिडरेशन है तो ये सप्लाई, क्रक्स समझना था, मेन इन बिटवीन द लाइन ये था, वो डोमेस्टिक नेचर चल रहा, बट अब थोड़ा सा और छोटा सा एक लेवल बढ़ा देती हूँ, सर्विस तो सिर्फ डोमेस्टिक नेचर की ही है वहां पर, जब आप इंपोर्ट करते हो तब तो अलग से कुछ कॉन्सेप्ट है, पर जब एक्सपोर्ट करोगे तब, मैं अगर यहां से गुड्स रिलेटेड पर्सन को एक्सपोर्ट करती हूँ तब तो जीएसटी लगेगा, और अगर मैं विदाउट कंसिडरेशन किया तो भी जीएसटी लगेगा। तो जब आप कोई चीज ले सप्लाई कर रहे हो तो सप्लाई करते वक्त अगर आप सप्लाई ऑफ गुड्स करते हो इंडिया के बाहर, सप्लाई करते वक्त आप सर्विसेज सप्लाई कर रहे हो इंडिया के बाहर, वो भी तो फिर कवर ही होगा ना यहाँ पे अगर विदाउट कंसिडरेशन किया है तो, बट जब आप सर्विसेज लेते हो तो इंटरनेशनल लेवल पैराग्राफ 4 कवर करता है कि सर्विसेज आपने अगर इम्पोर्ट की तो रिवर्स चार्ज है।
बेस बाय बेस समझ में क्या आया, पहले हम डोमेस्टिक डोमेस्टिक पे खेल लिए, अब जब सब कवर हो गया तो अब मैं बोल सकती हूँ कि क्यों डोमेस्टिक, एक्सपोर्ट का क्या? बट एक्सपोर्ट अभी मैंने लिखवाऊंगी कि हाँ एक्सपोर्ट भी कवर है, मतलब यहाँ पे भी आप इंडिया से बाहर चीजें भेज रहे हो वो भी कवर है, बट यहाँ पे तुम्हें अभी मैंने जीरो रेटेड सप्लाई नहीं समझाया, अभी मैंने SEZ कॉन्सेप्ट नहीं समझाया, कुछ नहीं पता अभी अपने को, तो अभी सिर्फ लिख के रखेंगे पैरा टू में एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस ऑल्सो कवर्ड, अब लिख लो। पर इसके एनालिसिस को मैं कोई अभी एलेबरेशन नहीं देने वाली, बस लिख के रखो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस ऑल्सो कवर्ड। लिख लिया, अब मैं कटवाऊंगी भी तुमसे ही पूछ के, क्योंकि तुम हाँ पे हाँ मिला दिए, कस्टम पड़ा है जीवन में, क्यों कस्टम में एक्सपोर्ट कवर नहीं होता, होता है कि नहीं? अरे एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के लिए कस्टम है या नहीं? और मैम आप तो कंफ्यूज कर रहे हो, अब तो मैं पक्का खुद ही कंफ्यूज कर रही हूँ। अब मुझे ये बताओ, अब जब तुम एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स करते हो तो उसको कस्टम में लेके जाओगे कि यहाँ GST भी में लेके आओगे? इम्पोर्ट पे तो क्लियर हो ना, इम्पोर्ट के लिए तो पता है गुड्स अगर दुनिया में इधर आ रहे हैं तो कस्टम है, और दूसरा सर्विसेज यहाँ आ रही है तो GST है, ऐसे ही उल्टा होगा ना, यहाँ से हम गुड्स भी भेजते हैं यहाँ से हम सर्विस भी भेजते हैं, चलो सर्विस के लिए तो पक्का GST है, उस पर तो तुमको भी पता होगा एक्सपोर्ट ऑफ GST सर्विस ही लगेगा, क्यों एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स का क्या, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स पे सिर्फ कस्टम लगाओगे या GST भी लगाओगे? सोचना तो बनता है, मेरा क्वेश्चन समझ में आया कि अगर मैं एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स कर रही हूं तो क्या मुझे सिर्फ कस्टम पे रिलाय करना है या मुझे GST भी लेना चाहिए? बिल्कुल, दोनों लगेगा ना? क्योंकि अब वो इंडिया में सप्लायर, एक्सपोर्ट करने वाला इंडिया में है, इंपोर्ट के केस में सप्लायर इंडिया के बाहर था तो सिर्फ रिसिपिएंट को ही फंसा सकते थे, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट पे तो GST भी लगता है लॉ, मैं GST रेट नहीं बोल रही, एक्सपोर्ट के केस में GST लॉ भी लगेगा कस्टम भी लगेगा, इसीलिए यहाँ पे मैंने अब लिखवाया है कि यहाँ जब सप्लाई करो तो एक्सपोर्ट भी आएगा, बात समझ में आई? ठीक है अब डन, पैराग्राफ टू, अब क्या लिख लो यहाँ पे, एक्सपोर्ट लिख लिया कवर होता है, अब लिख लो एज द सप्लायर इज इन इंडिया, एज द सप्लायर इज इन इंडिया सो GST लॉ एज वेल एज कस्टम लॉ बोथ एप्लीकेबल ऑन दिस एक्सपोर्ट, GST लॉ एंड कस्टम लॉ बोथ एप्लीकेबल ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स, सब सर्विस पे तो नहीं बोल सकते ना दोनों लगेगा, सर्विस पे तो सिर्फ GST लगेगा, एंड ऑन सप्लाई ऑफ सर्विस ओनली GST लॉ एप्लीकेबल। डन, अब बचता है हमारा सिर्फ पैराग्राफ नंबर 3, उसको भी चाहिए 20 मिनट कम से कम, आज नहीं लूंगी। ठीक है, तो इतना हो गया, यहां तक का रिवाइज करना, कल तुम्हारा शेड्यूल 3 एज वेल एज ये जो हमारा पैराग्राफ नंबर 3 है ये खत्म हो जाएगा, और हो सकता है शायद शेड्यूल 2 खत्म हो, शायद पॉसिबिलिटी कम है, बहुत कम है, बट शायद स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फिर तब जाके और 2 दिन के बाद हमारी सप्लाई की डेफिनेशन जो मेरी 5 दिन में खत्म होती है वो 5 दिन में खत्म हो जाए, फिर हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ सप्लाई, जो चैप्टर कुछ नहीं है बट सप्लाई के अलग अलग तरीके जो ऑटोमेटिकली तुम्हारे चार्ज ऑफ GST की बहुत सारी चीजें और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर पूरा कवर कर लेंगे। ठीक है, तुम्हारा टारगेट आज का, संडे घर पे हो, क्या करोगे? रिवाइज तो कर ही लेना, 30 मिनट्स का टाइमर लगाओगे, टाइमर लगेगा, टाइमर लगा के 30 मिनट्स में एक एक चीज जो एनालिसिस याद आते जा रहे हैं सारे एनालिसिस लिखते जा रहे। ठीक है, चलो ठीक।
एक चीज और लिखनी, पैरा टू, पैरा टू में रिसिपिएंट जो है तुम्हारा वो रिलेटेड पर्सन होना चाहिए। पैरा फोर में जो सप्लायर है इंडिया के बाहर वो रिलेटेड या ओन एस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए। एंड डू नॉट यूज इंटरचेंज वर्ड डिस्टिंक्ट पर्सन एंड ओन एस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि डिस्टिंक्ट पर्सन स्टेट वाइज पे बात करता है, ओन एस्टेब्लिशमेंट में इम्पोर्ट की बात है। चलो